सो नमस्कार आप सभी को, मैं सिद्धार्थ चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। एंड नमस्कार आप सभी को, मैं सिद्धार्थ चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। एंड इस समय हम आपके साथ जूम और यूट्यूब दोनों पर ही लाइव हैं। एंड यूट्यूब का जो शेयर पॉइंट है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन द चैट बॉक्स। आपके यदि पार्टिसिपेंट्स हैं जो जूम को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कुछ भी टेक्निकल रीजन के, जो कि चैलेंजेस होते हैं, उसके लिए आप अपने टीम मेंबर्स के साथ चैट में दिया गया यूट्यूब लिंक भी शेयर कर सकते हैं। और हम आपके साथ अगले एक घंटे के लिए जुड़े हैं, राइट, जिसमें आपके साथ बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो आज के हमारे एक्सपर्ट, राइट, द एक्सपर्ट हिमसेल्फ, आप जिनसे सुनेंगे और जो आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करेंगे जो डेफिनेटली आपकी और आपकी फैमिली हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त होगी। और साथ ही साथ जो लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने कैमरास को ऑफ कर लें ताकि जो आपकी बैंडविड्थ है वो डिस्टर्ब ना हो और आप काफी स्मूथली आज का इंटरवेंशन अटेंड कर सके। साथ ही साथ जो लोग अपने घर पे हैं एंड आप फर्स्ट टाइम जूम को यूज कर रहे हैं, तो जूम में एक एप्लीकेशन में एक पॉइंट होता है जहां पे आपका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन होता है, तो अपनी और अपनी फैमिली की प्राइवेसी मेंटेन रखने के लिए आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं, जिसके लिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक ऑप्शन होगा, कैमरा का साइन बना होगा, उस पर आप यदि क्लिक कर देते हैं तो आपका कैमरा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, राइट। सेशंस के बीच में आप अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, हम उन्हें लास्ट में क्यूरेट करेंगे। और साथ ही साथ यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मिस हो रही है तो आज का जो इंटरवेंशन है उसे हम अगले 2 से 3 घंटे के लिए यूट्यूब पे प्लेस रखेंगे ताकि आपको यदि कोई भी पॉइंट मिस हो जाता है तो आप उसको फिर से सुन सकें। बट आई रियली रिक्वेस्ट कि आप अपने साथ एक नोटपैड और एक पेन जरूर रखें ताकि आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं जिनसे आप सुनेंगे उनसे आप पॉइंट सारे नोट करें। सो अगले 3 मिनट में हम आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो इट्स राइट नाउ 7:47 पे हम आज का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच चौधरी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस इवेंट में। इवेंट शुरू होने में अगले 1 मिनट में आज का इवेंट शुरू होगा और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उन्हें आप जल्द से जल्द ज्वाइन करवा लीजिए ताकि वो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। और अपने परिवार की अच्छी सेहत के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है उन्हें जानने के लिए, उन्हें और अच्छे से पहचानने के लिए आज के हमारे एक्सपर्ट ऑन बोर्ड, जिनका नाम है डॉक्टर प्रमोद नागर जी, जो कि आज हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, तो उनको सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। अगले 1 मिनट में हम आज का इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं। विद दिस थैंक यू सो मच। राइट ऑन टाइम, मैं सिद्धार्थ चौधरी फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं इस समय अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं आप सभी का पूरी एम्बे टीम की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। और आशा करता हूं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और अपने सप्लीमेंटेशन को समय दर समय ले रहे होंगे, क्योंकि आप जो रोजाना खा रहे हैं, राइट, वो डेफिनेटली आपके डेली रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशंस को पूरा नहीं करता है। और इसी के लिए आपका न्यूट्रलाइट ब्रांड आपको पिछले काफी सालों से बेस्ट सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि आज एम्बे मार्केटिंग टीम की तरफ से मैं सिद्धार्थ चौधरी आपके साथ जुड़ा हूँ एंड साथ ही साथ हमारी टीम के रीजनल मार्केटिंग मैनेजर शिफाली गांधी जी भी जुड़ी हैं, जो कि आपके साथ अगले मिनट से बात करेंगी। बट मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रोग्राम का डिजाइन बता दूं, राइट, एंड बाय द टाइम आई रिक्वेस्ट कि आप सभी एक बार फिर से यूट्यूब लिंक को रिफ्रेश कर लीजिए। मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं इन द चैट बॉक्स कि यूट्यूब लिंक नहीं एक्टिवेटेड है, प्लीज रीचेक इट वंस अगेन, एक्टिवेटेड है और आप मुझे वहां पे देख पा रहे हैं। कुछ लैग जरूर रहता है 2 से 3 सेकंड का, सो दैट यू कैन
कनेक्ट फर्दर ऑन यूट्यूब, राइट। सो आज के प्रोग्राम में आप जो हमारे रोजाना रूटीन में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हमें आसपास के आज के एटमॉस्फेयर की वजह से हम बहुत सारे चैलेंजेस की तरफ से गुजर रहे हैं, हेल्थ चैलेंजेस स्पेशली कहा जाए, और ये जो लॉकडाउन हुआ था, ये जो महामारी है, इसकी वजह से बहुत सारी चीजों में हम अपनी स्पेस को लो कर चुके हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये कहूंगा, जहां पर पहले काफी सारे लोगों ने अपना एक हेल्दी रूटीन में एक्टिव करने के लिए आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी शुरू करी थी, वहीं लॉकडाउन की वजह से आप सभी अपने घर पर थे और उस समय बहुत सारे लोगों ने अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से ओबेसिटी जैसे चैलेंजेस, अदर हेल्थ चैलेंजेस ने आपको होल्ड कर लिया। बट आज जो हमारे एक्सपर्ट आपके साथ जुड़े हैं, वो आपको आपके हार्ट सपोर्ट रिलेटेड एवरीथिंग, आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत कुछ ऐसे पॉइंट बताएंगे जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उन्हें आप जरूर सुनिए। और साथ ही साथ जो आपको प्रोडक्ट जिस तरीके से आपको रिकमेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से मेंशन कर रहे हैं, तो उन्हें जरूर अपने डेली लाइफस्टाइल रूटीन में ऐड कीजिए। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, मैं आप सभी की जोरदार डिजिटल तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे अपने रीजनल मार्केटिंग मैनेजर ऑफ नॉर्थ इंडिया मिस शेफाली गांधी ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो वेरी वार्म वेलकम शेफाली मैम, राइट। एंड जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई थिंक there is some network lag so that you can't able to unmute. So ma'am, please now you can unmute yourself and we can hear right, you. Right, thank you Siddharth. Good evening everyone, namaste, sat sri akal, adab, and also a very warm welcome, kyunki abhi hum sabko bahut hi warm welcome ki zarurat hai. Jo temperature hai wo dip kar gaya hai already, aur sardiyon ki shuruaat ho chuki hai, aur sardiyon ke saath जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी बात किया था, जो बहुत हर्ब्स को हमने डेडिकेट किया था, हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम बात करते हैं सीजनल चेंजेस की, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें इम्पैक्ट करती हैं एज अ हेल्थ। तो चाहे मैं बात करूं बढ़ती हुई इन्फेक्शंस का, फ्लू का, कफ, कोल्ड, और बहुत सारे चैलेंजेस अब दोबारा खड़े हैं। आपने देखा लोगों की इम्यूनिटी के साथ जो पैंडेमिक सिचुएशन थी अब से यू नो सिक्स मंथ्स पहले, अभी भी दोबारा से अब जो है उसी मैं कहूंगी कि फेस की तरफ दोबारा से ग्लोबली हम सब लोग प्रोसीड कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे वेदर चेंज का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं चेंजिंग सीजन की, डिप इन द टेम्परेचर की, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में पोल्यूशन का, लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है, या फिर पूरी फैमिली के हेल्थ में चैलेंजेस हैं, क्योंकि एक बार कफ, कोल्ड या फ्लू फैल जाता है तो वो पूरी फैमिली में ट्रैवल करता हुआ जाता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं इस मौसम में बहुत ज्यादा, और ये भी देखा गया है कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर बात की जाए, हार्ट अटैक्स की, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमारी पूरी शारीरिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं, वो सब इम्पैक्ट करती हैं, और कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा देखा जाता है ऐसे माहौल में। सो टुडे ऑल्सो यू नो वी वेलकम हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। सितंबर में आपने इन सब इन्हें सुना था आप सबने, और बहुत ही खूबसूरती से डॉक्टर प्रमोद ने हमें बताया था कि किस तरीके से यू नो सप्लीमेंटेशन प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। बहुत सारे ऐसे हेल्थ के चैलेंजेस हैं, जैसे कि मैं बात करूं यू नो गोइंग फर्दर एंड बियॉन्ड हार्ट या फिर लंग्स या फिर पोल्यूशन के बियॉन्ड जाए, तो बहुत सारी और भी कंडीशंस हैं जैसे कि पीसीओडी, थायराइड। तो आज उन सब के बारे में डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे, बहुत सारी चीजें जानेंगे। एक बार मैं दोबारा से आपको डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। MBBS है, MS है, MCA चीफ कंसल्टेंट कार्डियो एंड वास्कुलर सर्जन, एंड ही हेल्स फ्रॉम कोटा राजस्थान एंड इज ऑल्सो अवॉर्डेड एज कोटा रत्न। सो बहुत ही अक्लेम्ड है और बहुत ही मैं कहूंगी माहिर है अपने फील्ड के। लेट्स वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर प्रमोद नागर, आपकी जोरदार वर्चुअल तालियों के थ्रू, और जितने लोग कैमरा में हैं आई कैन सी, लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रमोद वंस अगेन विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि वो हमारे साथ आज बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर।
So, sir, we welcome you on board. Can we have a spotlight on you, please? All right. Thank you, madam. Thank you. Sir, बहुत बहुत स्वागत है. हम सब ईगरली वेट कर रहे हैं आपको सुनने के लिए. तो सर प्लीज शुरुआत कीजिए और हमें बताइए कि यू नो चेंजिंग वेदर किस तरीके से हमारी बॉडीज को इम्पैक्ट कर सकता है. जैसे कि अभी हमने बात किया है पोल्यूशन का बहुत ज्यादा जोर रहता है, उससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, लंग्स के डिसऑर्डर्स हैं और बहुत सारी समस्याएं जो है वो चालू हो गई है. लोगों की इम्यूनिटी दोबारा से एक चैलेंज बन के खड़ी हो गई है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि दोबारा से इन्फेक्शन का स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है. सो सर ओवर टू यू, प्लीज लेट अस नो कि व्हाट इज द सॉल्यूशन और कैसे इन सिचुएशंस को अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए हम टैकल कर सकते हैं. सो ओवर टू यू सर. थैंक यू मैडम, थैंक यू सिद्धार्थ एंड थैंक यू होल एम्बर टीम मुझे इनवाइट करने के लिए. आपने मेरा एक इंट्रोडक्शन तो दे दिया, मुझे बता दिया कि भाई इतने फेमस सर्जन हैं ये हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैं एमवे बिजनेस में प्लैटिनम भी हूँ. तो ये मैं आपको बता देता हूँ. और बिसाइड्स बिजनेस तो बढ़िया लगता ही है मुझे, लेकिन द थिंग्स सप्लीमेंट्स द वे दे हैव चेंज द लाइफ मेरी और मेरे कई पेशेंट्स की, दे आर वंडरफुल. और मैं आपको चीजें कोरिलेट करते हुए बताऊंगा. हाउ आर फूड, हमारी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज वगैरह जो भी हम लोग प्लान करते हैं अपने रूटीन में, उसको हम कैसे ढंग से अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमारे एनवायरमेंट को हम फाइट अप कर सकते हैं और अपने आप को फिट बना सकते हैं. अगर मैं मेरी छोटी क्लासेस की बात कहूँ तो मैंने बहुत ध्यान से उनको पढ़ा है. आपने भी अगर अपनी किताबें पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं की, तो उनमें डार्विन का नाम आता था, लमार्क का नाम आता था. आज आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हो, अगर आपको याद नहीं है अपने बच्चों की किताबें खोल सकते हो. और उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी कि एवोल्यूशन कैसे हुआ, इंसान कैसे बना, कैसे कुछ स्पीशीज खत्म हो गई, कुछ स्पीशीज नहीं आई, वो क्यों, जो खत्म हो गए वो क्यों खत्म हो गए और जो आज सर्वाइव कर रहे हैं वो क्यों सर्वाइव कर रहे हैं. तो उसमें एक थ्योरी दी गई थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और वो जो लाइन थी वो बचपन से मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि वो उन्होंने जो इतने रिसर्च के बाद कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका मतलब ये है कि अगर टाइम के साथ अपने आप को उतना फिट बना करके रखते हो जितनी टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो आपका सर्वाइवल हमेशा रहेगा. लेकिन किसी लेवल पे अगर आपसे गलती हो गई या आप चूक गए या आपने समय के साथ अपने आप को चेंज नहीं करा, अपने आप को फिट नहीं रखा उस हिसाब से, तो आप कहीं ना कहीं डाउनफॉल में जा सकते हो या आप शायद आपका सर्वाइवल ही ना रहे. तो अब क्या है, समय के साथ पिछले 10-20 सालों में बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हुए हैं. हमारा खाना पीना चेंज हुआ है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो गए और इन सब ने हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करा है. लेकिन क्या हुआ है पिछले 20 सालों में, हमने अपने आप को चेंज नहीं करा. और यही कई कारण है कि आज से 15 साल पहले जहां इंडिया में 20 में से एक आदमी डायबिटीज से परेशान था, आज की तारीख में हर तीसरे चौथे आदमी को डायबिटीज. आपके घर में एक आदमी डायबिटिक होगा, आपके पड़ोस में आप देखोगे 10 घर जाके आप घूमोगे तो आपको पता लगेगा कि पड़ोस में 10 लोग शुगर की गोलियां खा रहे हैं. ठीक है, द थिंग्स हैव चेंज्ड, लेकिन हमने उन चीजों को समझा नहीं. ठीक है, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, ओबेसिटी मोटापे की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है. ठीक है, और एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर है. अगर हम लोग इनको इंडिविजुअलाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुई और हम कैसे फिट बन सकते हैं ताकि हम सर्वाइव कर सके, है ना. सर्वाइवल ऑफ द फिट की कैटेगरी में हम सर्वाइवल की कैटेगरी में आ जाए. अब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी मैं किससे बात करता हूं, मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी है और जो शायद आप लोग भी, आप लोगों के सामने भी आएगी या जो भी नए लोग हैं उनसे मैं पहली चीज कह दूं, मैं हमेशा कहता हूं कि जो कुछ आपने आज दिन तक सीखा है या समझा है, सबसे पहले उसको एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि जब तक आप उसे अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे तो जो मैं समझा रहा हूं उसे आप नहीं समझेंगे. आप मोरोन जिसे कहते हैं ना, बस बैठा रहता है यूं करके, कैमरे के सामने बैठ गए, सुन रहे हैं और एक घंटे की मेरी स्पीच हो गई, मैडम ने इतना एफर्ट कर लिया, टीम ने इतने बढ़िया प्रोग्राम कर दिया, लेकिन पूरा सेशन खत्म होने के बाद बस ताली बजाई, घर चले गए और समझ में कुछ नहीं आया. तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में जो है उसे वॉश आउट कर दीजिए, फिर मैं नई चीजें उसके अंदर डालता हूं आपके. अब नई चीजों में क्या है, अगर मैं बॉडी को एक सिस्टम मानता हूं तो इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए दो चीजें मुझे चाहिए. एक फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मतलब एक्सरसाइज हर पार्ट का, ये वो रोज ही काम में आता रहे, जैसे मशीनरी होती है तो वो नॉर्मल चलता रहेगा, और एक उस मशीनरी का जो फ्यूल है वो हमेशा उसमें नॉर्मल डलता रहे. नॉर्मल ही करना है हमें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है ना, जो नॉर्मल चाहिए उसको. तो एक पार्ट हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मशीनरी कैसे काम कर रही है, इसे नॉर्मल कैसे
काम करते रहना चाहिए, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, और दूसरा इसका फ्यूल क्या है और उस फ्यूल को हम लोग कैसे नॉर्मली देते रहे ताकि ये बॉडी हमेशा परफेक्ट बनी रहे। ठीक है, अगर मैं एक इंजन की बात करूं, वो पेट्रोल से गाड़ी चलती है, आप उसमें थोड़ा केरोसिन मिला दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी चलेगी, लेकिन वो कुछ टाइम बाद उसका इंजन खराब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमारा शरीर है, इसकी फंक्शनिंग के लिए हमें उसकी सर्विसिंग, ऑयलिंग और मशीनरी को रेगुलर यूज करना पड़ेगा। अगर मशीनरी यूज नहीं करोगे तो जंग लग जाएगी और थोड़े टाइम बाद जो जॉइंट्स हैं वो खराब हो जाएंगे, मतलब बॉडी के हर फंक्शन खराब होने लग जाएंगे। तो पहला पार्ट आता है एक्सरसाइज का। ठीक है, एक्सरसाइज का पार्ट मैं क्यों पहले ले रहा हूं, मैं हमेशा एग्जाम में ना छोटे क्वेश्चन के आंसर पहले दे दिया करता था, ठीक है, ताकि फटाफट फटाफट थोड़े थोड़े नंबर मिल जाए। तो यहां पर भी मैं यही करूंगा, बॉडी को बनाने के लिए 20-30% रोल है एक्सरसाइज का और 60-70% रोल है वो है फूड का। तो छोटा आंसर कौन सा हुआ, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को मैं पहले कवर कर लेता हूँ, छोटा वाला पार्ट है, आप लोगों के लिए मेजर पार्ट होगा, क्योंकि जिससे भी मैं बात करता हूँ आप अपनी बॉडी के लिए क्या कर रहे, मैं रोज योगा करता हूँ, मैं लंबी सांस लेता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं गार्डन में 2 घंटे घूमता हूँ, मैं 6 किलोमीटर जाता हूँ, मैं 50 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, और उस पूरे कन्वर्जेशन में ना उसका खाना कहीं आता है ना वो फूड को लेके फोकस्ड है, वो उस 20-30% पार्ट को लेके ज्यादा फोकस्ड है जो छोटा पार्ट है। तो मैं उसी पार्ट पे पहले बात करूंगा जिस चीज को लेकर के आप गुमराह हो। ठीक है, अब एक्सरसाइज का पार्ट 20-30% है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप 30 मिनट्स अपनी बॉडी को एरोबिक वर्कआउट दो। वो एरोबिक वर्कआउट आप योगा के फॉर्म में दे सकते हो, साइकिलिंग, स्विमिंग, किसी भी तरह की एक्सरसाइज के फॉर्म में दे सकते हो। लेकिन जब आप एक्सरसाइज की बात करते हो तो बेसिकली जब आप अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको एक थंब रूल रखना पड़ेगा कि आपकी जो बेस लाइन हार्ट रेट है वो 60 हो सकती है, 70 हो सकती है, 80 हो सकती है। उस बेस लाइन का हार्ट रेट का आपको अपनी हार्ट रेट को 1.5 गुना लेके जाना पड़ेगा और फिर उस लेवल पे आपको 10 या 20 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब आपकी बॉडी का एक्सर्शन होगा। अभी कई लोग गार्डन में सुबह सुबह बैठ के ये चालू हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस विग्रस एक्सरसाइज से आप बेसिकली अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। अभी हवा आपने 10 ml भी नहीं सूंघी, आपके लंग की कैपेसिटी 500 ml है, तो कम से कम 500 ml तो सूंघो, तब तो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो सबसे पहला आपकी एक्सरसाइज का पैटर्न ही गलत है, तो सबसे पहले सही तरीके से समझिए किसी भी एक्सरसाइज को कैसे किया जाता है। आप लोग टीवी पे बैठ के उसको रिपीट कर रहे हो, सामने एक एक्सरसाइज कर रहा है, आप उसको रिपीट कॉपी करे जा रहे हो, लेकिन फॉल्टी तरीके से। जब तक आप सही तरीके से नहीं करोगे आपके शरीर को नहीं लगेगा। तो हर एक्सरसाइज की एक टेक्निक है, आप अनुलोम विलोम कर रहे हो तो 500 ml की टाइडल वॉल्यूम अंदर जानी चाहिए, एयर अंदर जानी चाहिए, तभी आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। नहीं तो करते ही रहो, किसी दिन सांस लेते लेते सांस रुक जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे से लोग आते हैं और ये बोलते हैं कि वो तो रोज एक्सरसाइज भी करता था, वो तो फिट भी रहता था, गार्डन में उसको रोज घूमते देखता था, पता नहीं क्या हुआ, कोरोना लगा, एक ही दिन में मर गया, एक ही दिन में लंग्स खराब हो गए। अरे उसने वो करा ही नहीं जो उसको चाहिए था। सो आपका भले ही 20-30% पार्ट है, बट उसे समझिए एंड डू इट परफेक्टली। हार्ट रेट आपकी 1.5 गुना जानी चाहिए, टाइडल वॉल्यूम आप पूरी कीजिए, हर जॉइंट की एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए। अभी कई लोग योगासन करते हैं, योगासन कैसे करते, बिस्तर में लेट जाते हैं, आराम से चादर ओढ़ लेते हैं और लंबी लंबी सांसें लेते रहते हैं, आपकी बॉडी को उससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, रत्ती भर ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा नहीं गई आपकी बॉडी में, है ना। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस मत कीजिए। दूसरा पार्ट फ्यूलिंग, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम कभी समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते, उसके लिए WHO ने हमारी हेल्प करी हुई है। कैसे हेल्प करता, उसने गाइडलाइन सेट करी हुई है कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से कोई भी फूड कितना चाहिए। फूड को अगर हम लोग ब्रेक करें तो बेसिकली हम लोग इसके न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स को लेना चाहते हैं। इसमें कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन हर कंपोनेंट चाहिए। जब तक वो हर कंपोनेंट नहीं जाएगा हमारी बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाएगी। मैक्रो न्यूट्रिएंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आते हैं। कार्बोहाइड्रेट फैट की कोई कमी नहीं है, वो इतना मिल जाता है हमें जिसकी कोई लिमिट नहीं है। रोज पकौड़े तल लो, पूड़ी तल लो, आलू खा लो, चिप्स खा लो, सब में मिल जाएगा, ठीक है। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाता है वो प्रोटीन। अभी कई लोगों से जब मैं इस मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करता हूं तो कहते हैं हम तो बहुत प्रोटीन खाते हैं, मैं तो नॉनवेज भी खाता हूं, अंडे भी खाता हूं, हमारे घर में तो चिकन भी चलते हैं, फिश भी चलते हैं, सब खाते हैं हमारे घर में। अच्छा ठीक है, घर में कोई बीमार है, थोड़ा सा मम्मी का हीमोग्लोबिन पता नहीं क्यों कम रहता है, थकान रहती है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक चल रही है, पापा की शुगर कंट्रोल नहीं रहती, कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है,
तब से चल ही रहा है, कभी डॉक्टर टैबलेट लिख देता है, कभी इंसुलिन लिख देता है। वाइफ का सिरदर्द हमेशा मेंटेन्ड ही रहता है, पता नहीं उसके माइग्रेन की प्रॉब्लम है, खूब गोलियां खाती है पर बार बार प्रॉब्लम आती है। हम मेरी नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, लेकिन वो काम की वजह से दिन भर काम का स्ट्रेस इतना रहता है। माई डियर, ये सारी प्रॉब्लम्स सिम्टम है वो सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का, जो आप प्रॉपरली ले नहीं पा रहे। हाँ, आपके हिसाब से आप प्रोटीन पूरा ले रहे हो, पर क्या WHO के हिसाब से आप प्रोटीन पूरा ले रहे हो? नहीं, क्योंकि WHO ये कहता है कि अगर आप एक नॉर्मल आदमी हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका, ज्यादा बैठने का काम है, तो आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लीजिए। लेकिन अगर आप एक ग्रोइंग एज में हो, यानी कि आप एक बच्चे हो, 18 साल से कम की कैडर में हो, तो आपको 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना पड़ेगा। आप प्रेग्नेंट फीमेल हो तो आपको 1.5 ग्राम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप भले ही बेड में हो, पर 1 ग्राम आपको खुद के लिए और 0.5 ग्राम प्रोटीन उस बच्चे के लिए लेना पड़ेगा, जिसका वजन आपको 3 किलो करना है 9 महीने के अंदर। ठीक है, तो आप फीमेल खुद के लिए तो खा लेती, उस बच्चे के लिए कुछ नहीं खाती, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा। अगर आप एथलीट हो, स्पोर्ट्समैन हो, आप जिम जाते हो, तो आपको 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट खाना पड़ेगा। अभी यहां दूसरा मिसकंसेप्शन आ जाता है कि 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट अगर मैं प्रोटीन लूंगा तो मेरा तो वजन बहुत बढ़ जाएगा, मैं बहुत मोटा हो जाऊंगा। वजन बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट और फैट के स्टोरेज से, प्रोटीन के स्टोरेज से नहीं। तो प्रोटीन आप जब ऑप्टिमाइज करोगे तो आपका वेट ऑटोमेटिकली बैलेंस होने लग जाएगा। अब प्रोटीन में भी इंपॉर्टेंट ये कि आप सारे अमीनो एसिड्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सारे अमीनो एसिड नहीं होंगे तब तक आपकी बॉडी का हर सेल फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा, और जब आपका सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, यहीं से आपकी बीमारियां स्टार्ट होती है। अभी तक आपको लग रहा होगा मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे बीमारी पे आना है, लेकिन बीमारी स्टार्ट कहां से हो रही है वो समझना पड़ेगा, तभी अपन उसको रूट कॉज से खत्म कर पाएंगे। तो बीमारी यहां से स्टार्ट हो रही है कि जहां आपके बॉडी के सेल को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपनी एंजाइम फंक्शन नॉर्मल नहीं कर सकता, अपने एंटीबॉडीज को प्रॉपर नहीं बना सकता, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप नहीं रख सकता, हार्मोन्स को प्रॉपरली नहीं बना सकता। और जब ये सारी प्रॉब्लम डेवलप होती है तो हो सकता है आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बनने लग जाए, इंसुलिन कम बनने लग जाए, आपके ग्लैंड्स में से कोई हार्मोन कम बनने लग जाए, जो दिमाग में ग्लैंड्स है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ अफेक्टेड हो, आपके बच्चे की ग्रोथ अफेक्टेड हो, आपके बॉडी का सिस्टम डाउन हो सकता है। सिम्टम क्या आएंगे? इनिशियल स्टेज में आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन में डायबिटिक हो जाएंगे इंसुलिन कम होने से, या पहले दिन में ही आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी थायरोक्सिन कम होने की। ये सब अमीनो एसिड है, सब प्रोटीन से बने हुए हैं, इनसे पहले दिन प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरुआती प्रॉब्लम्स थकान होना, सिर दर्द रहना, सिर भारी होना, ठीक है, पैरों में सूजन आना, हीमोग्लोबिन चाह कर भी कितनी भी गोलियां खा करके जो आपका डॉक्टर लिख रहा है, हीमोग्लोबिन मेंटेन नहीं कर पाना, गैस बार बार बनना, खाना नहीं पचना, ये सारी प्रॉब्लम्स एक सिंपल से प्रोटीन की क्वांटिटी को बैलेंस करने से ठीक हो सकती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझें कि इसका रोल क्या है हमारी बॉडी में, और फिर हम क्वांटिटी, राइट क्वांटिटी में इसको लें। ये हमारे मेजर कॉम्पोनेंट हो गए, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब इस मैक्रोन्यूट्रिएंट में एक पार्ट है जो हमारी डाइट में बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है फैट्स, लेकिन वो हम लोग गलत तरीके से लेते हैं। अगर आप फैट्स के बारे में जानेंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा है, कॉमन प्रॉब्लम है जब भी पेशेंट कोई होता है कार्डियक प्रॉब्लम का होता है, तो मैंने कॉमन प्रॉब्लम देखी है, वो या तो उसका डॉक्टर बंद करवा देता है या खुद बंद कर देता है कि तेल घी बिल्कुल ही बंद कर दो। फैट्स हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन आपको क्वांटिटी समझनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि किस टाइप का फैट हमें चाहिए। आपकी मम्मी जब आप छोटे होंगे तो कहती होगी, बेटा 5 बादाम रोज खाया कर, इससे दिमाग तेज होता है। उस दिमाग में क्या भरा हुआ है? आपके ओमेगा 3 भरा हुआ है। वो ओमेगा 3 हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके ब्रेन फॉर्मेशन, आपके बच्चे के ब्रेन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, आपके बॉडी के इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को खत्म करने के लिए, आपके हार्ट की फंक्शनिंग को अच्छा रखने के लिए, आपके ब्लड वेसल्स के सर्कुलेशन को अच्छा रखने के लिए, आपके बॉडी के सारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ओमेगा 3 का एक पार्ट हार्मोन्स को भी बनाता है, ठीक है, फीमेल हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स, इन सबको बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए ओमेगा 3, जो हमारी डाइट में बहुत कम रहता है। तो ये ओमेगा 3 जो है आपको कुछ फूड्स में मिलता है, किन में? वॉलनट्स में, बादाम में, अलसी में, इनमें मिलता है। लेकिन बात यह है कि इनमें कुछ और फैट्स भी होते हैं जिनको बैलेंस करने में ओमेगा 3 खत्म हो जाता है, क्योंकि एक रेशियो चाहिए होता है बॉडी में ओमेगा 3 का और ओमेगा 6 का, और वो रेशियो होना चाहिए 6:1 का रेशियो, तो आपको वो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप 5 बादाम खा करके आप सोचो कि मुझे ओमेगा 6 मिल गया, मेरा दिमाग तेज हो जाएगा, तो आपको कम से कम इतनी बादाम खानी पड़ेगी कि आपका जो दिमाग है उसके अंदर भर सको रोज। आपको खोपड़ी खोलनी पड़ेगी, उसमें बादाम भरनी पड़ेगी, कम से कम 100-150 बादाम आएगी,
तो इतनी अगर आप रोज खा रहे हो तो आपकी ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट पूरी होती है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो वो हमें खाना पड़ेगा। तो मैंने एक गैप बताया आपको कि हमारी डाइट में एक प्रोटीन गैप हो गया है जो हमारे साथ प्रॉब्लम कर रहा है, फैट के अंदर एक ओमेगा 3 का गैप हो गया है जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है, और तीसरी चीज आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि है हमारे मिनरल्स और विटामिंस जो कि हमारी बॉडी के इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। कहां से मिलते हैं ये हमें मिलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। हम लोग इसीलिए सब्जियां खाते हैं, पहले के जमाने में ट्रेंड था लोग कच्ची सब्जियां बहुत खाया करते थे, किसान खेत में जाता था वहीं तोड़ के खा लेता था, हमारे घर पे भी आती थी, आस पड़ोस के खेत से आ जाती थी, कोई गांव से आता था वो रख देता था, सब्जी मंडी में भी आती थी, तो उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था 20 साल पहले कि लोकल बाजार में आने वाली जो ट्रैवलिंग टाइम होता था सब्जी का वो 6-8 घंटे का होता था, और फ्रेश सब्जी होती थी जिनका मिनरल और न्यूट्रिएंट कंपोनेंट और ऑक्सीडेंट कंपोनेंट जो है वो 100% हुआ करता था ऑलमोस्ट। लेकिन आज की डेट में आप, मैं कोटा में बैठा हूं तो इंदौर से कद्दू आ रहे हैं और दिल्ली से कोई और सब्जी आ रही है और पता नहीं कहाँ केरला से कोई और फ्रूट आ रहा है, तो उसका ट्रैवलिंग टाइम इतना होता है कि जब तक वो मेरे पास पहुंचता है डीप रेफ्रिजरेशन में होके उसके सारे कंपोनेंट्स खत्म हो जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके बच्चे को दस्त लगे तो जिंक की गोली दो, एड रोज सुनता हूं मैं, बच्चे को दस्त लगे जिंक की गोली, ORS के साथ जिंक की गोली, समझ में नहीं आता लेकिन प्रॉब्लम कहां पे हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि आज की डेट में जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं या तो हमारी कुकिंग हैबिट्स गलत हो गई हैं, हम उन्हें इतना जला देते हैं, तलते हैं ना हम लोग, फ्राई कर देते हैं, तो वो सारे विटामिन मिनरल सब तल जाते हैं उसके साथ ही, जल जाते हैं, तो उनको हम लोग खा रहे हैं। फूड का ट्रैवलिंग टाइम इतना है कि उसमें ऑक्सीडेंट्स खत्म हो गए, मिनरल और विटामिन का कंटेंट खत्म हो गया, तो वो भी हमें पूरा नहीं मिल पा रहा। अभी ये आपको दिखेगा नहीं, है ना, कैसे देखो, फ्रूट में विटामिन मिनरल उसको काट के दिखता तो है नहीं, और शरीर में भी जाएगा तो कैसे देखो, काट के तो देखोगे नहीं खुद को कि भाई इसमें है कि नहीं है पूरे, ये किसी लैब में अपनी बॉडी को रोज टेस्ट तो कराओगे नहीं, तो कैसे समझे। तो ये सारी भी चीजें छोटे छोटे सिम्टम के फॉर्म में आती, कैसे, जब आपको ये समझाया गया कि अभी ये वायरल इन्फेक्टिविटी बहुत है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप जिंक लीजिए, तो एक छोटा सा मिनरल इतना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कि वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकता है। लेकिन एडिशनली सिर्फ जिंक लेने से ही आपकी बॉडी का काम नहीं चलेगा, आपकी बॉडी को बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, अगर ये सारे के सारे पूरी मात्रा में नहीं गए तो आपने जिंक तो बहुत खा लिया लेकिन आपका हीमोग्लोबिन मान लो 8 या 9 है, तो ये इनडायरेक्ट मार्कर है कि आपकी बॉडी लो है, आपकी बीमारी की चपेट में फटाफट आ जाओगे और निमट लोगे। तो हीमोग्लोबिन 12-13 होना चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए, दिन भर 10-12 घंटे काम करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीजें, जब आपकी वर्किंग नॉर्मल हो, स्लीप पैटर्न नॉर्मल हो, डीप स्लीप नॉर्मल हो, ठीक है ना, तब और किससे आप बात करते हो तो आप चिड़चिड़ापन नहीं आता आप में, दिन में 10 लोगों से मिले तब भी आप परेशान नहीं हो रहे, काम करने के बाद आपकी इच्छा है कि आप फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ये कॉमन चीज है, आप देखना एक हस्बैंड आया अपने काम करके घर पे पहुंचा, बच्चा ये कहते हैं चलो पापा खेलने चलते हैं, और पापा तुरंत ही उसके ऊपर गरजते बरसते हैं कि अभी तो मैं थका हुआ आया हूं और तुम आके चालू हो गए, और फिर वो वाइफ से लड़ता है इन बच्चों को मेरे से दूर रखो। ये इरिटेबिलिटी इज एन इंडिकेटर, इनडायरेक्ट इंडिकेटर कि आपके बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल लो है, बराबर विटामिन मिनरल्स ये सब आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रहे। और फिर जैसे ही आप ये बोलते हो फिर वाइफ झल्ला के पड़ती है, दिन भर हो गया मुझे घर में खाना बनाते हुए सफाई करते हुए, मैं इन बच्चों के मारे परेशान हूं, ऊपर से आप आके शाम को चिक चिक करते हो और फिर घर में लड़ाई शुरू। एक सिंपल सा विटामिन मिनरल आपके घर को उथल पुथल कर देता है और फिर बच्चे चुपचाप जाके कहीं पे दुबक जाते हैं और आप कभी समझ ही नहीं पाते कि सिंपल एक सिर्फ खाना, एक खाना आपकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि जब आपका पेट भरा होता है या आपकी बॉडी का आप कहो न्यूट्रिशन लेवल नॉर्मल होता है तो आप हमेशा खुश रहते हो। ये मम्मियां कहाँ करती थी, मदर्स, तो उनका रिलेशन इससे नहीं होता था कि आप पेट भरो, उनका रिलेशन इससे होता था कि आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रहेगा तो इरिटेबिलिटी कम रहेगी, आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी और हर चीज से अच्छी तरह कोप अप कर पाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी सिर्फ बीमारी से लड़ना नहीं है या बीमारी को रोकना नहीं है, इम्यूनिटी आपके स्ट्रेस को कम करने का भी पार्ट है। तो जब हम ये सारे कॉम्पोनेंट्स पूरे करते हैं जो कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं हो पाता, उसके मैंने आपको कारण बताए, कारण क्या है, देखो कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, अगर मैं सिर्फ एक गेहूं की बात करूं जो आज की डेट में हम लोग खा रहे हैं उससे आप समझ पाओगे, मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स के गेहूं खाने का जो है ना क्वांटिटी मैंने कम कराई, उनको बोला कि आप मक्का खाओ, बाजरा खाओ, चना खाओ, ये सब खाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा मिक्सिंग करो इन सारी चीजों। क्यों बोलता हूं मैं उनको,
जो हमारे पास गेहूं किसी टाइम पे आया करते थे वो उगते थे 6 से 7 फीट के, किसान को काटने में प्रॉब्लम आती थी, उनका हाइब्रिडाइजेशन कराया गया। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पहले आप पपीते खाते थे उसमें बीज आते थे, आज की डेट में सीडलेस पपीते आते हैं, आप उनमें देखोगे कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन पपीते होते हैं, बीज नहीं निकलते उनमें, है ना। तो इस तरीके से हमारे गेहूं को भी मैनिपुलेट किया गया, हाइब्रिडाइजेशन करा तो उसका ग्लूटेन कंटेंट 20 गुना बढ़ गया, आयरन कंटेंट 40% रह गया, जिंक का कंटेंट 40% रह गया, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ गया। ठीक है, तो न्यूट्रिशन वैल्यू तो हो गई डाउन और अननेसेसरी के कॉम्पोनेंट्स उसके अंदर बढ़ गए। अब क्या है कि जहां आपको 4 या 6 रोटी खाके जो न्यूट्रिशन मिल सकता था, आज की तारीख में अगर आपने 20 रोटी नहीं खाई तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और प्रैक्टिकली 20 रोटी खाना पॉसिबल नहीं है। टाइम के साथ हुआ क्या, उल्टा हो गया। 20 साल में ऐसा नहीं हुआ कि जहां आदमी 5 रोटी खाता तो 15 खाने लग गया, वो 5 की जगह 2 रोटी पे आ गया, तो और डाउनफॉल आ गई। तो हम खाने से वो चीज पूरी नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रिज को, जो गैप हो गया इसे ब्रिज करना पड़ेगा। और ब्रिज करने का क्या तरीका, इजी, कि हम क्वांटिटी ना बढ़ाएं, क्वांटिटी हम बढ़ा ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, उस ब्रिज को बैलेंस करें। ब्रिज को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, आप अपनी डाइट का प्रोटीन कैलकुलेट कीजिए। एक नॉर्मल इंडियन वेजिटेरियन एवरेज 20 से 25 ग्राम प्रोटीन अपनी डाइट से नॉर्मल लेता है, ये कैलकुलेटेड है, ये आप गूगल पे सर्च करना, ये इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो गई। और एक प्योर नॉन वेजिटेरियन मैं किसको कहता हूं, जो रोज नॉनवेज खाता है, 4 अंडे रोज खाता है या चिकन खाता है 100 ग्राम से 200 ग्राम, वो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, और वो भी 40 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं ले पा रहा। तो 30 से 40 ग्राम का एक गैप प्रोटीन का उसकी डाइट में आ रहा है, और इसे आप ब्रिज कीजिए। ब्रिज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, न्यूट्रलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन 2 से 3 स्कूप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लीजिए, या आप एक बच्चे को दे सकते हो, एक फीमेल को दे सकते हो, डिजीज आदमी को दे सकते हो, ठीक है ना, एक हेल्दी आदमी इसे ले सकता है। तो सिर्फ डिजी, कई लोग सिर्फ बीमारी के लिए इसे खाते हैं, अरे बीमारी के लिए नहीं खाना, इसे आपकी नॉर्मल बॉडी को मेंटेन रखने के लिए खाना, तो इससे आप अपने प्रोटीन टैंक को फुल कर लोगे। फैट का रेशियो मेंटेन करने के लिए आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट कर लो, उससे आप बैलेंस जाओगे। अगर आप नॉर्मल आदमी हो तो 1 से 2 ओमेगा 3, हाँ अगर आप डिजीज हो, आपका कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस है, आप मोटे हो, आप वेट मैनेजमेंट की तरफ फोकस कर रहे हो, तो 3 से 4 ओमेगा 3 खाना भी बुरा नहीं है। पर लोग क्या करते हैं, मार्केट से जाके फार्मास्यूटिकल कुछ दवाइयां खाने लग जाते हैं जो आपके फैट को बैलेंस करता है, उसे मत खाइए, उसमें 50 नुकसान और है साथ में। ओमेगा 3 बेस्ट है, क्यों, क्योंकि आपके फैट को वेट को बैलेंस ही नहीं करेगा, साथ में 50 फायदे शरीर को और भी देगा। वह गूगल पे सर्च करिएगा ओमेगा 3 को खाने के क्या क्या बेनिफिट है, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, डायबिटीज को हेल्पफुल है, थायराइड पेशेंट्स को हेल्पफुल है, पार्किंसोनिज्म के पेशेंट्स, माइग्रेन के पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, स्ट्रोक के पेशेंट, लकवा जिनको मार जाता है ना, सब तरह के फीमेल्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, एक रिसर्च बताती है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स अपनी पूरी प्रेगनेंसी में 9 महीने ओमेगा 3 खाती है, उनके बच्चे नॉर्मल बच्चे से 9 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट पैदा होते हैं, 9 टाइम्स मोर इंटेलिजेंट, स्टडी है पूरी पिछले 20 सालों की। और जो मदर भूल गई, जिसको इस स्टडी के बारे में डिलीवरी के टाइम पता लगा, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन करती है तो उसके बच्चे का ब्रेन भी 3 गुना ज्यादा डेवलप हो जाएगा नॉर्मल बच्चे से, तो यू स्टिल हैव चांसेस। अच्छा, मैं ये क्यों कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, क्योंकि मेरे सर्कल में एटलीस्ट 15 फीमेल ऐसी हैं जिनको मैंने पूरी प्रेगनेंसी में न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, ओमेगा 3, कैल्शियम, आयरन डेली, इसके अलावा कुछ नहीं खाने दिया, नो मेडिसिन, नो टैबलेट, हेल्दी बेबीज, नॉर्मल डिलीवरीज, माँ भी खुश, बच्चा भी खुश, माँ का हीमोग्लोबिन 14, बच्चे का हीमोग्लोबिन 12-13, बच्चा कोई आईसीयू में नहीं रहा, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं, एंड आई हैव प्रूफ्स, और मैंने उनको कहा मुझ पे फेथ रखो, ठीक है, ये बच्चा नॉर्मल होगा, और आज वो बिलीफ से लोगों को बुलाते हैं, बताते हैं सारी चीजें, सो आई हैव सीन, ऐसा नहीं है, है ना, तो ये सारी चीजें मेरी देखी हुई है। अब क्या है, या इसके बाद छोटा सा कॉम्पोनेंट जो है वाइटामिन मिनरल, ये आप अपनी सब्जी से नहीं ले पा रहे। अब क्या होता है, कई लोग कहते हैं सलाद खा रहे हैं, हम लोग कच्चा सलाद भी खाते हैं, उससे हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, विटामिन्स मिल जाते हैं, आप खाते होंगे, लेकिन सलाद का कंसेप्ट ये है कि पहले आप थाली भरिए खाना खाने के पहले, और तब तक आपको कच्चा खाना है जब तक कि आपका पेट नहीं भर जाए, इसका मतलब आप सैलड प्रॉपरली खा रहे हैं, और फिर उसके बाद जो बची हुई जगह आपके पेट में, पेट भरने के बाद तब आपको खाना खाना है। और वो जो आपकी सलाद की थाली है उसमें कम से कम 5 रंग के सलाद होने चाहिए। अभी सलाद के नाम पे हमारे सिनेरियो में क्या होता है, या तो हम 4 खीरे के पीस ले लेते हैं, 2 मूली के पीस ले लेते हैं,
दो प्याज के पीस ले लेते हैं और हमारी सलाद की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। यही है हमारी प्लेट का क्राइटेरिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि खाना क्या है। और कोई इस तरीके से खा रहा होता है तो उसे हम पागल डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं महेंद्र सिंह धोनी की डाइट एक टाइम पे अखबार में छप के आई एंड पीपल वर मैड, यार ये 1.5 लीटर दूध पीता है, ये 2 दर्जन केले खाता है, ये पागल है क्या आदमी, कितना फिट है वो देखो उसको, परफेक्ट बॉडी बिकॉज ही इज ईटिंग अ परफेक्ट डाइट। अच्छा आप आपके सामने क्या प्रॉब्लम आती है यार, 2 लीटर दूध अगर मैं लूंगा तो 120 रुपए का या 150 रुपए का दूध मेरे घर में आएगा, रोज के इतने केले, 500 रुपए के फ्रूट, तो मैं कहां कह रहा कि आप डेली एडिशनली इतना कुछ खाओ ये करो। सिंपल है, ब्रिज द गैप विद सिंपल सप्लीमेंट्स और वो आपकी बॉडी को पूरा रख देंगे। तो इतने केले खाने की जरूरत नहीं है, 1 दर्जन केले मैं भी नहीं खा सकता, मैंने कोशिश कर ली, 6 के ऊपर जाता ही नहीं हूं, पार ही नहीं हो पाते मुझसे। सेब भी मैं खाऊं तो 2 से ज्यादा नहीं खा पाता, तो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैं तो इतना फिटनेस फ्रीक हूं, इतना कोशिश करता हूं तो नहीं खा पाता, तो आपके लिए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो जानकारी होते हुए मैं नहीं खा पा रहा, तो मैं क्या करता हूं, इजीली आई गो फॉर डेली न्यूट्रलाइट, डेली ले लो, उसमें सारे विटामिन आ गए, सारे मिनरल आ गए, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आ गए, सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स आ गए और वो मेरा गैप ब्रिज हो गया, ठीक है। अब ये गैप मुझे क्यों ब्रिज करने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से सारी बीमारियां शुरू हो रही है। शेफाली मैडम ने कहा कि आज की डेट में ये प्रॉब्लम्स हो रही है, कभी एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, हमारी बॉडी उससे अफेक्टेड हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम लोगों को इस मौसम में बहुत होती है, सांस की प्रॉब्लम बहुत होती है लोगों को, एस्थमेटिक पेशेंट्स को अटैक आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी क्यों हो रही है, क्यों हम एनवायरमेंट से इंपैक्टेड हो रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट में क्या ऐसी चीज है जिसको हम करेक्ट ही नहीं कर पा रहे, हम उससे फाइट ही नहीं कर पाते। एनवायरमेंट डेली चेंज हो रहा है, आज से 20 साल पहले इतना पोल्यूशन नहीं था, आज से 20 साल पहले खाना इतना गंदा नहीं था, इतने प्रिजर्व्ड फूड हम लोग नहीं खाते थे, डब्बा पैक फूड हम लोग नहीं खाते थे, ठीक है। हमारे खाने में इतना एडल्ट्रेशन नहीं था, इतना हाइब्रिडाइजेशन नहीं था, ठीक है। तो हमारा खाने का कॉम्पोनेंट लो हो गया, ठीक है। अभी हम बैलेंस भी कर रहे हैं तो भी हमारे को बीमारियां आ रही है ना, क्यों, क्योंकि हमारे हिसाब से हम बैलेंस कर रहे हैं, हम उस हिसाब से बैलेंस नहीं कर रहे जिस हिसाब से बॉडी को चाहिए, जिस हिसाब से WHO रिकमेंड करता है कि इतना हमें खाना चाहिए। तो आप पहले सप्लीमेंटेशन, अपनी डाइट को प्रॉपर कीजिए, सप्लीमेंटेशन कीजिए, एक्सरसाइज लीजिए, ये तीनों चीजें जब आप ब्रिज करोगे तो बॉडी परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जब आप इन बॉडी को परफेक्ट करोगे तो कैसे हम बीमारी को रोक सकते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स की, सांस की प्रॉब्लम की, क्यों होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती क्यों है, ठीक है ना। कहते हैं कि सडनली हार्ट अटैक आया, ये हो गया, क्यों हो रहा है, बेसिकली आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो रहा है, ये कैसे होता है ना। किसी दिन टाइम मिलेगा तो हम इस पर भी बहुत बड़ा सेशन लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं आपको छोटे में बताता हूँ, आपकी बॉडी में डेली कुछ डैमेजेस चल रहे हैं और कुछ रिपेयर्स चल रहे हैं, ठीक है, और सारे डिजीज यहीं से आते हैं, डैमेज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, आपका इम्प्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी बॉडी में डेली हर सेल को डैमेज कर रही है, लेकिन साथ के साथ ही आपका सेल उसको रिपेयर कर रहा है, और उसके लिए आपका DNA RNA काम करता है, आपके बॉडी में प्रोटीन्स काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं, और वो इन सब को लेकर के एक रिपेयर सिस्टम बनाते हैं और सेल को दोबारा से सही करते हैं। लेकिन जब आपका सेल इनको ठीक करने जाता है और पीछे पलट के जाता है, वो यूं देखता है, थोड़े 10 लोग मेरे पीछे आ जाओ, 10 इधर से आ जाओ, ये 10 विटामिन आ जाओ, 10 मिनरल आ जाओ, और जैसे पीछे पलटता है तो पीछे ना विटामिन है ना मिनरल है, वो सोचता है गए भाई, होने दो, बर्बाद हो रहा है सेल, बर्बाद होने दो, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास वो चीजें ही नहीं है जिससे मैं इनको सही कर सकूं, और वो जो डैमेज मैकेनिज्म है वो चलता रहता है, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक शरीर झेलता, 15 साल शरीर झेलता, और 80% जब तक आपकी बॉडी खराब नहीं हो जाती तब तक वो शरीर झेलता है, और उसके बाद फिर वो हाथ खड़ा कर देता है और फिर सडनली एक बीमारी के रूप में आपके सामने आता है, और बीमारियां क्या होती है, डायबिटीज, सडनली हार्ट अटैक हो जाना, हार्ट की वेसल्स में ब्लॉकेजेस पैदा हो जाना, दिमाग की नसों में ब्लॉकेजेस पैदा हो जाना, आपका बीपी शूट अप कर जाना, ठीक है, इंसुलिन की बॉडी में कमी आ जाना, ये सारे डिजीज एकदम से आपको आने लग जाते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, बीमारी का जो डैमेज मैकेनिज्म हम नहीं रोक सकते, बट हम अपने रिपेयर मैकेनिज्म को सही कर सकते हैं, और ये रिपेयर मैकेनिज्म ही है जिसे आप इनडायरेक्टली इम्यूनिटी कहते हो। तो इम्यूनिटी एक चीज से नहीं बनी हुई है, इम्यूनिटी आपकी बॉडी का वो रिपेयर सिस्टम है जो किसी भी डैमेज से लड़ने में आपको हेल्प करता है, और इस रिपेयर मैकेनिज्म के लिए उसे एक बहुत बड़ी सेना चाहिए, और उस सेना में क्या क्या आता है, अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, वो आपको बैलेंस करना है। अब जब आप ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पूरे करते हो, क्या क्या, प्रोटीन्स,
अच्छे फैट्स, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन मिनरल्स और फ्रूट वेजिटेबल्स. फ्रूट वेजिटेबल्स अगर आप नहीं खा पा रहे तो वी आर वेरी गुड ब्रिजिंग गैप के लिए. हमारे पास न्यूट्रलाइट की कंसेंट्रेट फ्रूट वेजिटेबल्स आती है, विच इज वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स. और किसी भी डिजीज आदमी को ये लेने चाहिए क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स ही आपके रिपेयर मैकेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. तो ये बेसिक हम लोग ले लेते हैं तो हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है. अब जब हमारा ये रिपेयरिंग सिस्टम ठीक चल रहा है तो अब हमें लड़ने के लिए इसे और स्ट्रांग बनाना है. तो और स्ट्रांग बनाने के लिए हमें इस पे टॉपिंग लगानी पड़ेगी. जैसे हम लोग पिज्जा पे टॉपिंग लगाते हैं, बेस तो है ही सही, चीज भी हमने लगा दिया तो हम लोग उस पे टॉपिंग लगाते हैं. टॉपिंग किन चीजों का लगाते हैं? टॉपिंग होती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से. जैसे एक फीमेल पे हम लोग आ जाए तो फीमेल की रिक्वायरमेंट्स अलग है, मेल की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग है, बच्चों के रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग है. तो उनके हिसाब से हम लोग इस पे टॉपिंग डालते हैं और उस चीजों को एड ऑन करते हैं ताकि हम लोग फिट रह सके. अगर मैं एडल्ट्स की बात करूं, जैसा कि शिफाली मैम ने स्टार्ट करा था कि हम लोग हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो एडल्ट्स के अंदर ये प्रॉब्लम कॉमन है. ठीक है, तो जैसे जैसे एजिंग हो रही है, हमारे हार्ट की भी एजिंग हो रही है, इसको बूस्टअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसे फैक्टर्स को रखना पड़ेगा हमारी बॉडी में जो हमारे सेल की स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, क्योंकि हर सेल की एजिंग हो रही है, बॉडी की एजिंग हो रही है. तो स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए क्या है, कुछ सेल स्टिमुलेंट्स होते हैं जिनको अगर हम लोग रेगुलर लें तो हमारे बॉडी को नया रखने में कोशिश करते हैं, हमारे सेल की वाइटैलिटी बढ़ाते हैं. इसमें हमारे पास हर्ब भी है अश्वगंधा, और इसमें हमारे पास न्यूट्रलाइट का कॉम्पोनेंट है जिनसिंग, जिसको मैं रेगुलर लेता हूँ, मेरे चेहरे पे भी दिखाई दे रहा होगा. मैं किसे बात कहता हूँ कि, तो वो यही कहते हैं कि सर 30 साल की उम्र में आपके पास इतनी डिग्रियां कैसे? तो मैं उसको कहता हूं तुमने मेरी एज 10 साल घटा दी है. ठीक है, एज मेरी 38 साल है, वो मैं तुम्हें दिखाई 30 का दे रहा हूं वो अलग बात है. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि मैंने वो गैप ब्रिज करा, प्लस साथ में अपने सेल्स को यंग रखने के लिए मैंने अश्वगंधा और जिनसिंग का सपोर्ट किया. अब जब मैं अपने सेल के कॉम्पोनेंट्स को यंग रखने की कोशिश करता हूं तो मैं अपने आप को हार्ट की प्रॉब्लम से बचा सकता हूँ. क्यों? क्योंकि ये एज के साथ आने वाली बीमारी है. मैं डायबिटीज से अपने आप को बचा सकता हूँ क्योंकि एज के साथ आने वाली बीमारी है. हाइपरटेंशन को रोक सकता हूँ क्योंकि ये एज के साथ आने वाली बीमारी है. ठीक है, लकवा मारने की प्रॉब्लम से दूर रख सकता हूँ क्योंकि एज के साथ आने की वाली बीमारी है. तो एज के साथ जो बीमारी आ रही है उनके लिए मैं इनका टॉपअप कर सकता हूँ. तो इस तरीके से मैं अपनी हार्ट की प्रॉब्लम को कोप अप कर सकता हूँ. लेकिन अगर आपको हो ही गई है, आप ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, तो आपको कुछ एडिशनल चीजें लेनी चाहिए जो आपके हार्ट को हेल्दी रख सके. क्या है वो? हमारे पास एक गार्लिक हार्ट केयर है, उसके पीछे ही हार्ट केयर लिखा हुआ है. क्यों? क्योंकि गार्लिक हम लोग सदियों से जानते हैं ऐसी चीज है जो आपको ब्लड थिनर का काम करती है और एक अच्छी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है. जब आपका खून पतला रहेगा तो जमेगा नहीं कहीं पे. सर्दी में यही तो प्रॉब्लम हो रही है ना, ठंडा होकर खून जम जाता है, दिमाग में जम गया तो लकवा मार गया, हार्ट में जम गया तो हार्ट अटैक आ गया. तो वो आपके खून को पतला रखेगी. तो जो हाई रिस्क है, लोग हैं जिनको ये लगता है कि उनको हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली हिस्ट्री है, वो गार्लिक हार्ट केयर को रेगुलर कंज्यूम करें तो वो हार्ट की प्रॉब्लम से अपने आप को सेफ रख सकते हैं. फिर आपकी मसल को स्टिमुलेट करने के लिए हार्ट की कोक्यूटेन हमारे पास टैबलेट आती है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए सीएच बैलेंस आती है. तो ये स्पेसिफिक चीजें हार्ट के लिए. ठीक है, लेकिन हार्ट और लंग्स दोनों सिस्टम कनेक्टेड है. दोनों में से एक भी वीक होता है तो दूसरे का सपोर्ट खत्म हो जाता है. हार्ट के साथ आपको लंग्स को स्ट्रांग रखना जरूरी. और मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन क्यों बना? क्योंकि मेरा मानना ये कि अगर ये दो सिस्टम परफेक्ट चल रहे हैं तो बाकी सिस्टम बॉडी के चलाए जा सकते हैं. अभी जब कोरोना हुआ तो आपको सबको समझ में आ गया कि सिर्फ एक लंग्स ही निपटा देता है आदमी को. तो आपकी बॉडी में ये दोनों सिस्टम आपको परफेक्ट रखने पड़ेंगे. हार्ट आपने सही कर दिया, ठीक है, लंग्स को कैसे सही रखोगे? आपको एक तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, वो फर्जी वाली एक्सरसाइज नहीं करनी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, है ना. डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी, एक्सरसाइज करने के साथ आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ एडिशनल चीजें लेनी पड़ेगी. आप लोग ऑलरेडी लेते आए हो, चाय में अदरक डालते हो, ठीक है ना, तुलसी आप खाते हो, लौंग आप खाते हो, ये सारे हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करता है. तो इन्हीं सारों के बेस्ट कॉम्बिनेशन को हमने बनाया जो बिल्कुल जिनके अंदर किसी भी तरह के केमिकल्स यूज नहीं करेंगे. क्योंकि मुझे आज की डेट में पता नहीं है, अदरक जो मेरे घर में आ रहा है, मुझे पता है रोजाना उसको एसिड से वॉश किया जाता है, कच्चा अदरक मेरे घर पे आता है जिसके अंदर पता नहीं कितना न्यूट्रिशन है, नहीं है, पर खा रहे, मजबूरी है, ठीक. तो मैं ऐड ऑन कर लेता हूँ क्या, वसाखा, मुलेठी और सुरासा. सो मुझे मेरी रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए एक प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं उसे ले लेता हूँ. और इस टाइम पे इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया है. गले में खराश होना, सांस की तकलीफ होना, ये सारी प्रॉब्लम्स कॉमन. तो जब मैं इसे लेता हूं तो मेरे लंग्स का डायलिटेशन प्रॉपर रहता है, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर रहता है, ठीक है ना. और साथ में ये जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे लंग्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर रहा है, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर रहा हूँ, तो मेरे
फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ गई। लेकिन इसके साथ ही मुझे, क्योंकि मैं ज्यादा कंसर्न आज की तारीख में किस लिए हूँ, आप भी कंसर्न हो कि यार इस टाइम पे निमोनिया जैसी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सांस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं और घर में एक से दूसरे को ट्रांसमिट होता है। तो उस वायरल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए मुझे ना केवल मेरी रेस्पिरेटरी हेल्थ बढ़ानी है, बल्कि मुझे कुछ ऐसी चीज भी चाहिए होगी, कोई वायरस अगर मेरे रेस्पिरेटरी हेल्थ में अंदर रस्ते पे एंटर हो जाए तो उसे तुरंत मेरा सिस्टम खत्म कर सके, और इसके पहले कि वो दूसरे को ट्रांसमिट हो उसके पहले मेरी बॉडी उसे खत्म कर। तो इसके लिए मैं कुछ बूस्टर्स, बूस्टर का मतलब आप जो ले रहे हो बेस के ऊपर वो टॉपिंग डालनी है। टॉपिंग्स में हमारे पास क्या है अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, आप तुलसी और एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड। जिन लोगों को अस्थमा है, एलर्जी के अस्थमा, सांस की प्रॉब्लम रहती है, उनको इस सीजन में एक कोर्स एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड का ले लेना चाहिए, ठीक है, और साथ में उनको तुलसी रेगुलर लेनी चाहिए। तो वो उनकी हेल्थ को मेंटेन करेगी और रेगुलर वैशाखा मुलेटी लेने से सांस अच्छी चलती रहेगी। आपको रोज अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक नहीं करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रेस्पिरेटरी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। तो ये कुछ सप्लीमेंट, किस तरीके से ये हमारे सिस्टम हिट होते हैं और कैसे हम इनको बैलेंस कर सकते हैं, ये मैंने बताया, ठीक है। अब मैं शेफाली मैडम से कहूंगा कि वो टेक ओवर करें और हम लोग सेशन को और आगे मूव ऑन करें उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके साथ। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत इंफॉर्मेशन आपने अभी दी और ऑलरेडी वी आर पोरिंग विद द क्वेश्चंस। तो सर अभी अभी आपने बताया है, तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट सजेस्ट करिए सर, ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, और अभी भी जैसे COVID-19 से इफेक्टेड जो पीपल हैं जो डिस्चार्ज हो चुके हैं, दोज हु हैव रिकवर्ड बट ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं, तो क्या हम उन्हें कुछ रेकमेंड कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, मैंने स्पेसिफिक आपको 3 सप्लीमेंट लास्ट में बताए जो आपके इस रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करेंगे। बेसिक तो आपको लेना ही है, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को स्ट्रांग नहीं करोगे ना, कुछ नहीं कर सकते। तो जो बेसिक सप्लीमेंट मैंने आपको बताए जो आपकी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए चाहिए, प्रोटीन, मल्टीविटामिन मिनरल डेली, ओमेगा 3 और CFE, ये तो आपको लेना है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को नॉर्मल करेंगे। अब इसके ऊपर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी है, तो आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए आपको वैशाखा मुलेटी जो अपनी आती है उसे आपको सुबह शाम लेना है, तुलसी और एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड आपको लेनी है। तो इससे आप पूरे सिस्टम को सही कर सकते हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कार्डियक प्रॉब्लम के अलावा या लंग्स की प्रॉब्लम के अलावा जनरल प्रॉब्लम के लिए भी आते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं। मेरा सारा नर्सिंग स्टाफ, मैंने बताया ना कि आज की डेट में 15 प्रेग्नेंट फीमेल्स भी हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट में, और उनके नॉर्मल डिलीवरीज हुई है, बच्चे हुए हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं कि सर जो गाइड करेंगे उनसे बढ़िया नहीं करेगा कोई भी। तो मेरे जितने भी नर्सिंग स्टाफ है, कोई भी प्रॉब्लम हो घर में, वो पहले मेरे पास ही पूछने आते हैं कि क्या करना है। तो मेरे फॉलोअप में ऐसे 20 से 25 कोविड पेशेंट्स भी हैं जो पॉजिटिव थे, ठीक है, उनको मैंने देखा और उनको मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी, सिर्फ सपोर्टिव फीवर के लिए मैंने टैबलेट दी और न्यूट्रलाइट के सप्लीमेंट्स दिए, और इन्हीं सप्लीमेंट से मैंने गाइड किया उनको एंड दे आर फिट। उनमें से एक पेशेंट मेरा ऐसा भी था जिसकी उम्र 80 साल थी एंड ही वॉज सीवियरली डिस्निक, 70% सैचुरेशन था। उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की फैसिलिटी मैंने घर पे ही प्रोवाइड कराई और उसको मैंने यही कहा कि आधा लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन तुम्हें नहीं सूंघनी है, वो भी जरूरत हो तो सूंघना, और बाकी जो मैंने सप्लीमेंट्स आपको बताए ये पूरे सप्लीमेंट मैंने उनको दिए एंड रिकवर्ड इन 7 to 8 days। वाओ। और उसके घर वाले इतने खुश थे, ही सेड कि अगर हम हॉस्पिटल ले गए होते ना तो बाबा मर गए होते, लेकिन आपने निकाल दिया। और उनकी जो वो पोती थी वो मेरे यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ है, मेरे ICU में ड्यूटी करती है, तो उसने कहा कि सर इलाज मुझे आपसे ही कराना है, आप जो लिखोगे उसके अलावा मैं कुछ नहीं खिलाऊंगा। और मैंने उनको कोई एंटीवायरल मेडिसिन नहीं दी, कोई कुछ नहीं, कोई इंजेक्टेबल नहीं, कोई बोतल नहीं, कुछ भी नहीं, एंड रिकवर्ड विद इन 7 to 8 days, इज परफेक्ट। तो सप्लीमेंटेशन बेसिकली कोविड को ट्रीट नहीं कर रही, आपकी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना रही कि आप वायरस से लड़ पाओ, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी रीजनरेशन इतना फास्ट हो कि वायरस अपना इंपैक्ट दिखाने के पहले आपको ठीक कर दे। लेकिन उसकी तैयारी आपको कब करनी पड़ेगी, आपको वायरस इंपैक्ट करे उसके पहले, क्योंकि बॉडी डॉक्टर साहब आपका हाँ मोबाइल म्यूट हो गया है शायद। आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू। सिद्धार्थ कैन यू प्लीज सॉरी हेलो
मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारी बॉडी को हमें प्रायर स्ट्रांग बनाना पड़ रहा है. अभी जो लोग गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं यार, तब ध्यान दे लेंगे जब प्रॉब्लम होगी. अभी जब प्रॉब्लम होगी तो आपकी बॉडी में एक सेल को बनने के लिए मिनिमम 30 डेज का टाइम चाहिए. क्या मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, फोटो फ्रीज हो गया है. वीडियो फ्रेम. एक सेकंड, मे बी वो हो सकता है वो नेट कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो गई हो कॉल की वजह से. नॉट अ प्रॉब्लम सर, यू कैन कीप ऑन टॉकिंग. ठीक है ठीक है, वो कनेक्ट हो जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा. तो उसमें क्या है कि जब आप मान लो कि आज आप प्रॉब्लम में आए, आज आप बीमार हुए, ठीक है, आपको कोविड हो गया, ठीक है, तो आपकी बॉडी पूरी हिट हो चुकी है और आपकी बॉडी में पहले से रिजर्व था ही नहीं फाइट करने के लिए. अब जब आज से आज सप्लीमेंटेशन, ये प्रॉपर डाइट और उसके ऊपर फोकस करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आएगा 1 महीने बाद, क्योंकि हर सेल को जनरेट करने के लिए कम से कम इतना टाइम चाहिए. कुछ सेल 7 दिन में जनरेट हो जाते हैं, वो जरूर जनरेट हो जाएंगे, लेकिन पूरी बॉडी को परफेक्ट होने में 1 महीना लग जाएगा. तो बेस्ट टाइम इज जब आपको नहीं हुआ हो, ठीक है ना, दैट इज द बेस्ट टाइम. नाउ इट विल बी ओके. अब ठीक है, वीडियो ठीक है अब मेरा? यस यस परफेक्ट. हाँ, नाउ इट्स फाइन. ठीक है, तो अब लोग क्या गलती हो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मेरे आस पड़ोस में 10 लोग बीमार हैं, मेरे फैमिली में 1 आदमी बीमार है, वो उसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं. अरे वो हो गया, आपको ट्रीटमेंट किसका करना है? आपके घर में जो बीमार नहीं हुए, राइट, यहां करना है. तो सबसे पहली चीज, अगर आप अवेयर हो गए हैं आपके घर में बीमारी नहीं आई है, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट टू मेक योर बॉडी परफेक्ट. है, बूस्ट योर इम्यूनिटी नहीं कह रहा मैं, बूस्ट वाला फंडा गड़बड़ है. मेक योर बॉडी परफेक्ट, ठीक है, इसे आप परफेक्ट कीजिए, फिर आप उस पर टॉपिंग्स डालिए ताकि वो और बढ़िया काम करे. हाँ, अगर आपको बीमारी हो गई, आप इम्पैक्टेड हो गए, आपके लंग्स खराब हो चुके हैं, 60% डैमेज्ड हैं, 70% डैमेज्ड हैं, सैचुरेशन नहीं मेंटेन हो पा रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, घबराने की जरूरत नहीं है. आप लेट हो लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. बॉडी के हीलिंग सिस्टम को अब आपको स्ट्रांग करना है, जो मैंने कहा आपको रिपेयर मैकेनिज्म. तो रिपेयर मैकेनिज्म के लिए जो भी कॉम्पोनेंट उसे चाहिए मैं आपको बता चुका, उन्हें आप एडुकेट क्वांटिटी में लीजिए. प्रोटीन एटलीस्ट 30-40 ग्राम सप्लीमेंट कीजिए. एक बीमार आदमी को मैं 40-50 ग्राम सप्लीमेंटेशन करने के लिए कहता हूँ. डेली जो मल्टीविटामिन है उसे सुबह शाम खाने के लिए कहता हूँ. क्यों? क्योंकि एक मल्टीविटामिन आज के लिए और एक वो पुराने खाते की जो आपने पूरी नहीं करी थी. तुलसी सुबह शाम लीजिए, वसाखा मुलेठी सुबह शाम लीजिए. अब आपको सप्लीमेंटेशन की डोज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी में 2 चीजें हैं, एक आज ठीक रखना है और एक कल जो खराब करी थी उसे ठीक करना है, ठीक है. तो इस टाइम पे आपको सप्लीमेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा. सप्लीमेंट वही लेना है, आपको फिट रहना है तो भी वही लेना है, लेकिन जब आप बीमार हो गए, आपको रिपेयरिंग चाहिए, तो वो सप्लीमेंटेशन आपको 1.5 गुना तक बढ़ाना पड़ेगा, एटलीस्ट 1.5 से 2 गुना, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल हाई है, फाइटिंग और रिपेयरिंग सिस्टम बहुत तेजी से काम कर रहा है, ठीक है. बस इतना सा करना है आपको, और कुछ एड ऑन करने की जरूरत नहीं. राइट सर. सर एक क्वेश्चन आया है कि कुछ हार्ट इश्यूज थे तो सप्लीमेंटेशन लिया, उससे बहुत फायदा हुआ, लेकिन कैल्शियम जब लिया तो उनसे उनको ये फील हो रहा है कि थोड़ी स्टिफनेस हो गई है. सो इज इट बिकॉज ऑफ द कैल्शियम और व्हाट कैन बी डन फॉर दिस केस सर? उनको देखो, कैल्शियम की वजह से स्टिफनेस नहीं आ सकती. उनको हो सकता है कोई मेडिसिन चल रही हो. कैल्शियम एक ऐसी चीज है, चाहे वो कितनी भी हम लोग नेचुरल बना लें, वो कुछ ना कुछ मेडिसिन से क्रॉस रिएक्ट कर जाती है और वो कैल्शियम प्रेसिपिटेट कर देती है किसी टैबलेट को, और उसका जो एबनॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट होता है वो आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम कर सकता है. अगर आप ऑलरेडी किसी कार्डिक मेडिसिन पे हैं, तो आप अपनी कार्डिक मेडिसिन के बीच में और कैल्शियम के टैबलेट के बीच में एटलीस्ट 3-4 घंटे का गैप रखिए, तो हो सकता है आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए. स्टिफनेस के लिए आप सिर्फ कैल्शियम को मत चूज कीजिए. बॉडी में अगर आपको एक प्रॉब्लम है तो हो सकता है कुछ डेफिशिएंसीज हो, जो आज की डेट में मैंने कॉमन देखा है लोगों में, B12, D3 की डेफिशिएंसीज आती हैं. आप इनको टेस्ट करवा लीजिए, अगर ये कम है तो आप इनको और एडिशनली सपोर्ट करने कीजिए, है ना. और आप अपनी मेडिसिन चेक कर लीजिए एक बार, ऐसी कोई मेडिसिन ना हो जो कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ आप ले रहे हो और वो क्रॉस रिएक्ट कर रही हो, है ना. ऐसा कैल्शियम से कभी मैंने देखा नहीं और किसी को होता नहीं है, मेरे पेशेंट में आज दिन तक नहीं हुआ, और
लिटरेचर भी ऐसा कुछ कहता नहीं कैल्शियम लेने से ऐसा कुछ होता है. हाँ, सिंथेटिक कैल्शियम अगर आप खा रहे हो कोई, क्योंकि बहुत सारे इस प्लेटफॉर्म पे बैठने वाले ऐसे भी लोग हैं जो फार्मास्यूटिकल कैल्शियम खाते हैं और सुनते हैं न्यूट्रोलाइट के बारे में. अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल कैल्शियम खा रहे हो तो वो डेफिनेटली इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है. उसका रीजन ये है कि वो जिस सॉल्ट से बनते हैं वो आपकी बॉडी में क्रिस्टलाइज होते हैं, वो जॉइंट में क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, वो किडनी में क्रिस्टलाइज हो सकते हैं. उसकी वजह से आपको किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं और जॉइंट स्टिफनेस फील हो सकती है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आप देखिए कि आप न्यूट्रोलाइट का ही कैल्शियम ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो फिर आप देख लीजिए कि आप किसी ऐसी मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के साथ तो नहीं ले रहे जिसकी क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही हो. परफेक्ट सर. वन मोर क्वेश्चन, पीपल हैव अ कंसर्न कि जिन भी सप्लीमेंटेशंस की अभी हम बात कर रहे हैं, क्या एक साथ जब हम वो सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो कुछ हार्मोनल इंबैलेंस तो नहीं हो जाता उससे? मैंने जितने बताए मैं इससे भी ज्यादा ले रहा हूँ, मेरे में तो नहीं हुए पिछले 5 साल से, कहीं से दिखता है क्या? राइट सर. सो सर, एक बार थायराइड के लिए कुछ बता सकते हैं, लाइक इफ वी कैन हैव सम प्रिवेंटिव एक्शंस फॉर थायराइड? डेफिनेटली थायराइड की प्रॉब्लम कॉमनली फीमेल्स को होती है, मैं ये बता दूं. और क्यों है ये कॉमन प्रॉब्लम? क्योंकि फीमेल्स में हार्मोन फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं. प्यूबर्टी के टाइम पे जब फीमेल 13-14 साल की होती है, 18 साल की एज में उसके हार्मोन्स का बैलेंस अलग होता है, और फिर जब वो प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे भी उसके बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं. अगर आपकी बॉडी के कॉम्पोनेंट्स जो इन हार्मोन्स को बैलेंस कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो ये इम्बैलेंस कोई ना कोई हार्मोनल डिजीज पैदा कर देती है. आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे कई फीमेल्स को डायबिटीज भी हो जाती है, शुगर के लेवल्स गड़बड़ हो जाते हैं, शुगर बहुत हाई आती है, बीपी बहुत हाई आता है. थायराइड की प्रॉब्लम उनको प्रेगनेंसी में कॉमन हो जाती है, क्योंकि और वो ये कहते हैं कि पहले तो कभी नहीं थी, अचानक प्रेगनेंसी में क्या हुआ? ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि आपकी बॉडी ऑप्टिमाइज नहीं थी किसी भी हार्मोनल प्रेशर को या स्ट्रेस को झेलने के लिए. तो आपको करना क्या है, आपकी बॉडी को हार्मोन बनाने के लिए जो भी कॉम्पोनेंट चाहिए अगर आप उसे 13 साल की उम्र से ऑप्टिमाइज रखते हो तो ये प्रॉब्लम्स किसी भी फीमेल में डेवलप नहीं होगी. ठीक है ना? ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है? बेसिकली थायरोक्सिन जो है वो एक हार्मोन है जो बनता है प्रोटीन से. प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है बहुत सारे अमीनो एसिड्स में, फिर वो नए फॉर्म में ब्रिज होता है और वो एक चेन बनाता है, वो चेन थायरोक्सिन हार्मोन. जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस की वजह से कम बनने लग जाता है तो ये प्रॉब्लम होने लग जाती है. एक कंपोनेंट थायरोक्सिन आपके ग्लैंड में बन रहा है, एक कंपोनेंट इसका एक हार्मोन आपके ब्रेन में बन रहा है. वो जो ब्रेन में बन रहा है वो कंपोजिशन बन रहा है आपके ना सिर्फ प्रोटीन से बल्कि उसका एक पार्ट फैट भी है. वो फैट क्या है? ओमेगा 3. ठीक है? तो अब हमारे को इस हार्मोन को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? प्रोटीन चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, और इनके बीच में जब ये रिएक्शन हो रहे होते हैं तो बहुत सारे को फैक्टर्स बीच में काम करते हैं, और ये को फैक्टर्स होते हैं विटामिंस और मिनरल्स. ठीक है? तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपकी बॉडी के मैक्सिमम हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं, प्रोटीन, ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन मिनरल. अगर आप ये ले रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर नहीं आएगी. लेकिन अगर आपको आ गई है तो फिर आपको अपनी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपके सेल जो डैमेज हो गए, जो थायरोक्सिन नहीं बना पा रहे, उनके अंदर अगर रिपेयर की गुंजाइश है तो वो रिपेयर हो सके. वो एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलते हैं आपको? वो मिलते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स से. तो इसके लिए न्यूट्रोलाइट का CFE आपको ऐड करना चाहिए. तुलसी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, मतलब आपके सेल को मॉड्यूलेट करता है और रिपेयर होने में हेल्प करता है, तो वो आपको ऐड करना चाहिए. साथ में आप सेल स्टिमुलेंट जैसे कि अश्वगंधा और जिनसिंग, ये आप ऐड कर सकते हो. ठीक है ना? ये 3 चीजें अगर आप अपने सेल को स्टिमुलेट करने के लिए यूज कर सकते हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपके बॉडी कि जो आप थायरोक्सिन टैबलेट ले रहे हो उसकी डोज कम हो जाए. मैंने दिखा है कई फीमेल्स में कम होते हुए, तो ये आपको बेनिफिट कर सकता है. तो बेस डेवलप करने के लिए प्रोटीन, ओमेगा 3, ठीक है, मल्टीविटामिन डेली, ये आपको लेनी है. प्लस इस सेल को रिपेयर करने के लिए आपको जिनसिंग या अश्वगंधा, तुलसी और CFE लेनी है, तो ये बैलेंस हो जाएगा. ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब. और बहुत सारे क्वेश्चन है डॉक्टर साहब. एक आ रहा है कि ये जो जैसे पैनक्रियाटिक फंक्शन होता है उसके लिए कुछ आप रेकमेंड कर सकते हैं सर? बिल्कुल. हमारे जो पैनक्रियाज है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज छूटनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आज की डेट में मैंने आपको बताया कि
जहां 15 साल पहले मैं देखता था कि 20 में से एक डायबिटिक था, तीसरा चौथा आदमी डायबिटिक हो गया है, तो पैंक्रियास पे बात करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। पैंक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को बनाते हैं, अगर इनकी फंक्शनिंग डाउन हो जाती है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम बनती है और आप शुगर पेशेंट हो जाते हैं। ये चीजें एज के साथ नॉर्मल है, मतलब जब आपकी उम्र हो रही है 60-70 साल तो बीटा सेल्स का फंक्शन नॉर्मली कम होना है क्योंकि उनकी एजिंग हो गई। लेकिन अगर ये यंग एज में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके पैंक्रियास को हिट कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके पैंक्रियास प्रॉपरली इंसुलिन रिलीज नहीं कर पा रहे। ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी ओवर ईटिंग या इम्प्रॉपर ईटिंग, इसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट फैट ज्यादा खा रहे हो, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे और आपकी बॉडी बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल को झेल रही है, मतलब आप उठते बैठते चलते नहीं हो। अब जब उठते बैठते चलते ही नहीं हो तो बॉडी क्यों काम करेगी? तो बॉडी ये मान लेती है कि ठीक है यार, ये आदमी तो बैठा ही रहता है, इसके लिए इंसुलिन बना के भी क्या करना, और आपकी बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है जब आपका वजन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जब आप वेट कंट्रोल करोगे, अपने फैट कार्बोहाइड्रेट्स पे कंट्रोल करोगे, अपनी बॉडी को परफेक्ट बीएमआई में लाने की कोशिश करोगे बिलो 25, तो ऑटोमेटिकली आपके शुगर लेवल्स भी कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, वो खत्म होने लग जाती है और इंसुलिन बेटर काम करता है। ठीक है, ये तो है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन जितना भी बन रहा है उसे प्रॉपर काम करवाना, तो उसके लिए आपको बीएमआई 25 के नीचे लाना पड़ेगा अपना, और डाइट थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी, फैट कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करना पड़ेगा। अब जो सेल्स इंसुलिन नहीं बना पा रहे, अगर वो डेड हो गए तो उनका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं, किसी के पास भी इलाज नहीं। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ सेल ऐसे कगार पे जो करा रहे हैं और आवाजें लगा रहे हैं कि कोई हमें बचा लो, तो उसके लिए अपने पास तरीका है। तरीका क्या है कि बॉडी को सेल, मैंने आपको जो बेसिक सप्लीमेंट्स बताए वो आपको हमेशा लेने हैं, ठीक है, प्रोटीन डेली, ओमेगा, जो आपकी बॉडी को बनाते हैं, क्योंकि हर सेल को वो बना रहे, तो आपके बीटा सेल्स को भी बनाने के लिए वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर हमारे पास एक सप्लीमेंटेशन है जो आपके बीटा सेल्स की हेल्थ को इंप्रूव करता है, वो क्या है? मधुनाशिनी। ठीक है, मधुनाशिनी आपके बीटा सेल्स की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन को नॉर्मली बना सकता है, और डायबिटिक पेशेंट्स में जब इंसुलिन के लेवल्स को बढ़ा देता है तो उनकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को क्या करना है, बेसिक सप्लीमेंटेशन के अलावा अपने वेट को रिडक्शन पे फोकस करना है और साथ में मधुनाशिनी ऐड करनी। मधुनाशिनी आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाती है। मैडम, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का मतलब है आप जो भी चीज खा रहे हो उसको वो जल्दी पचाएगी और जल्दी खत्म करेगी। तो जब आपका बीएमआर हाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली शुगर जो आपने खाई है वो फटाफट कंज्यूम हो जाती है और ग्लूकोज का लेवल बैलेंस होने लग जाता है। लेकिन मधुनाशिनी आपके बीटा सेल्स की हेल्थ को धीरे धीरे इंप्रूव करेगी। ये एक दिन का काम नहीं है, ऐसा नहीं है आपने मधुनाशिनी खाई कल शुगर चेक करी कि ये तो यार काम ही नहीं कर रही, फिर 2 दिन बाद चेक करिए तो काम ही नहीं कर रही। देखो, ये सप्लीमेंट है जो आपकी बॉडी को इम्प्रूव कर रहा है, तो इसका इफेक्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा। इसका इफेक्ट आने में 1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप इन्हें रेगुलर लेते रहोगे तो धीरे धीरे सेल्स इंप्रूव होते रहेंगे और आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट डिपेंडेंसी कम होती चली जाएगी, शुगर की टैबलेट्स की डोज टाइम के साथ कम होती चली जाएगी। ठीक है ना, एकदम से ऐसा नहीं करना कि आज मैंने मधुनाशिनी खाई और कल मैंने गोलियां बंद कर दी, जो भी मेरा इंसुलिन चल रहा था वो नहीं करना। आपके सेल को फॉर्मेशन का एक टाइम चाहिए और बॉडी को इंप्रूवमेंट का टाइम चाहिए। सिर्फ मधुनाशिनी खा के भी आप अपनी बॉडी के शुगर लेवल्स को मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि मधुनाशिनी सिर्फ स्टिमुलेंट है बीटा सेल्स के लिए, उसे इंप्रूव करने के लिए, लेकिन सेल का जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो उसको बना रहे हैं वो लेने भी आपको जरूरी है। तो जब आप बेस सप्लीमेंट प्रोटीन मल्टीविटामिन ओमेगा डेली और ओमेगा 3 आप ले रहे हो, उसके बाद आपको ये सप्लीमेंटेशन एड ऑन करना है मधुनाशिनी, तो आप अपने शुगर्स को बैलेंस कर सकते हो और एक डायबिटिक इंप्रूव हो सकता है विद टाइम। ठीक है, और मैं आपको और बता दूं, ये मधुनाशिनी ना सिर्फ पैंक्रियास की हेल्थ को इंप्रूव करता है, इनडायरेक्टली पैंक्रियास और लिवर, हमारे बॉडी के दोनों सिस्टम्स जुड़े हुए हैं, तो पैंक्रियास की हेल्थ को इंप्रूव करके इनडायरेक्टली लिवर को भी हेल्प करता है। ठीक है ना, तो लिवर फंक्शन को भी इंप्रूव करने में काफी हद तक ये मधुनाशिनी हेल्प करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो भी अगर इसको लेते हैं तो वो डायबिटिक होने से बच सकते हैं, प्री डायबिटिक्स को ये हेल्प कर सकती है ना, और जो वजन कम करने के लिए सोच रहे हैं उनको लेना चाहिए। इसके साथ मधुनाशिनी के साथ लोग अगर मिल्क थीसल ऐड करते हैं, क्योंकि पैंक्रियाज और लिवर की बात हम लोग कभी अलग नहीं करते है ना, लिवर की हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिवर के सारे एंजाइम्स और पैंक्रियाज के सारे एंजाइम्स मिलके ही हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम लोग इंप्रूव कर देंगे तो शुगर हम लोग ढंग से बैलेंस कर सकते हैं। तो लिवर की हेल्थ के लिए मिल्क थीसल और पैंक्रियास की हेल्थ के लिए मधुनाशिनी, ये दोनों कंपोनेंट्स अगर हम लोग लेते हैं तो पैंक्रियाटिक और लिवर हेल्थ को ठीक करके हम लोग अपनी शुगर्स को बैलेंस कर सकते हैं
और कुछ लोग आप में से खुशकिस्मत हुए और उन्होंने उसी तरीके से लिया जैसे मैंने बताया, तो हो सकता है आपकी टैबलेट्स भी कुछ टाइम बाद बंद हो जाए। Wonderful, sir. Sir, हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को साइनस का या रेगुलर स्नीजिंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या सर? हाँ, कर सकते हैं, मैंने किया है 5 साल पहले, मैं भी उन्हीं में से एक था। मैं अगर आपके साथ बैठा होता तो मैं इतनी देर बैठ ही नहीं सकता, मुझे रुमाल लेकर के बैठना पड़ता, ठीक है ना। तो मुझे भी साइनस की प्रॉब्लम, DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम, एक तरफ का चौड़ा एक तरफ का कम, और ये सारी प्रॉब्लम, किसी ने कहा सर्जरी करा लो, ENT वाला कहता है ये सही नहीं हो सकता। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया, ठीक है ना, तो आप कोरिलेट कर पाएंगे। क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम मुझे बचपन से रही है, और मुझे ये गलत फहमी थी कि ये प्रॉब्लम जेनेटिक है जिनको कभी सुधारा नहीं जा सकता, और शायद यही कारण है कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक होने की वजह से आज मैं बिजनेस में आया, या मैं इन प्रोडक्ट्स पे इतना फेथ करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी में इसका ट्रांजिशन देखा। मैंने किसी को भी सजेस्ट करने के पहले अपने घर में इस चीज को यूज करा है, मैंने अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन देखा, तब मैं आज बता रहा हूँ। तो मैं अपनी कहानी बताता हूँ आपको, ठीक है। yes, बचपन से मुझे ये प्रॉब्लम रही है, मैंने बहुत लोगों को दिखाया। मेरे फादर आर्मी में थे, तो मैं जब आर्मी डॉक्टर्स के पास जाता था तो वो उस तरह की बात करते थे। वो ये कहते थे कि साइनसेस सकड़े हैं, तो उसकी वजह से सिक्रीशंस निकल नहीं पाते। साइनसेस बेसिकली ब्लॉक्स होते हैं, एयर ब्लॉक्स होते हैं, जो हमारी फेस की हड्डियों को हल्का रखते हैं और वेंटिलेशन में हेल्प करते हैं, ताकि एयर जो है सीधा का सीधा फेफड़े में जाते टाइम उसके टेम्परेचर को रेगुलेट किया जा सके और उसको क्लीन किया जा सके। तो ये एयर पहले हमारे साइनसेस में जाती है, फिर ये मॉइस्ट होती है, और मॉइस्ट होने के बाद इसका टेम्परेचर मैनेज होने के बाद ये हमारे फेफड़ों में जाती है। ये बेसिक काम है साइनसेस का। अब क्या होता है कि जब ये एयर हमारे साइनसेस में जा रही है और बाहर निकल रही है, तो या तो इसका एंट्री खराब हो जाए या इसका एग्जिट खराब हो जाए, दोनों ही केसेस में हमारे साइनसेस प्रॉब्लम करने लग जाते हैं। ज्यादातर केसेस में एग्जिट जो है वो खराब हो जाता है, तो जो हवा अंदर जाती है वो ट्रैप हो जाती है, और वो गंदी हवा अंदर ही ट्रैप होने की वजह से आपको इन्फेक्शन क्रिएट करती है बार बार, ठीक है। ये बेसिक प्रॉब्लम है। अब इन साइनसेस को चौड़ा करने के लिए सर्जरी होती है ना, और वो साइनसेस को चौड़ा कर देते हैं, या अंदर पॉलिप होते हैं तो उनको काट देते हैं, जगह को बड़ा कर देते हैं, ताकि आराम से सारे सिक्रेशन निकल जाए और आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन नेचुरल तरीका क्या है इसका? इसका नेचुरल तरीका दो चीज हम कर सकते हैं। पहली चीज, हमारे साइनसेस को बड़ा करने के लिए हम लोगों को रनिंग करनी पड़ेगी रोजाना। रनिंग ऐसे नहीं बीच में बगल में बात करते हुए, जिस समय आप रनिंग करो वो इतनी तेज होनी चाहिए कि आपके बगल में कोई आदमी हो तो आप उससे बात ही नहीं कर पाओ। अगर दो आदमी एक साथ एक ही स्पीड पे भाग रहे हैं तो भी वो बात नहीं कर पाए, तो इतनी स्पीड होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो स्प्रिंट रनिंग जिसे कहते हैं, फास्ट रनिंग आपको करनी है, 1 से 2 किलोमीटर की फास्ट रनिंग रोज ब्रेक में आप कर सकते हो, जिससे आपका एयर सर्कुलेशन जो है फास्ट हो और आपके साइनसेस ब्रॉडन अप हो सके, ठीक है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, हमारे साइनसेस को अंदर म्यूकोसल लाइनिंग से कोटेड है पूरी की पूरी, तो उस म्यूकोसल लाइनिंग को हमें हेल्दी रखना पड़ेगा, ताकि जो भी गर्म हवा उस पर लग रही है उससे वो हिट होके खराब नहीं हो। तो उसकी हेल्थ को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। हमारी लाइनिंग्स को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा अंदर की, जो क्लीनिंग कर रही है। तो म्यूकोसल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारी जो बेसिक म्यूकोसा है उसकी नीचे की डीप लेयर बनी हुई है पूरी प्रोटीन से, और उसकी जो कोटिंग है उसका पूरे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है बी कॉम्प्लेक्स। ये हमें मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है उन्हें नेचुरल भी सुबह शाम लेना चाहिए, प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ ही उन्हें तुलसी जैसी चीज लेनी चाहिए जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में हेल्प करती है, या आपके सेल के फाइटिंग मैकेनिज्म को हेल्प कर सकती है। ये आपको रेगुलर लेना चाहिए। क्या क्या बताया मैंने आपको? तुलसी, नेचुरल भी और प्रोटीन। अब इसके साथ ऐसे लोगों को एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड का एक कोर्स लेना चाहिए, जिसे उन्हें 15 दिन बाद दोबारा रिपीट करना चाहिए, और फिर 6 महीने बाद दोबारा रिपीट करना चाहिए। उसके बाद अगर उनकी रिक्वायरमेंट रहती है तो उसे रिपीट करें, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम जरूरत नहीं पड़ती है उसकी, ठीक है, अगर आपने ये सारे सप्लीमेंटेशन रेगुलर लिया, ठीक है। तो एक्सरसाइजिंग प्लस ये सप्लीमेंट, क्या? प्रोटीन जो आपके बेस लेयर को बनाए, उसकी म्यूकोसल लेयर को बनाने के लिए बी कॉम्प्लेक्स के लिए अपने नेचुरल बी, ठीक है। और इन सब के अंदर जो आपके सेल्स काम कर रहे हैं फाइट करने के लिए, जिनको हम लोग नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं, हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस जिनको कहते हैं, उनको बूस्ट अप करने के लिए एक्नेशिया ट्रिपल गार्ड का एक कोर्स, 15 दिन बाद रिपीट, 6 महीने बाद रिपीट, तो हम लोग इस साइनस की प्रॉब्लम से फाइट आउट कर सकते हैं।
मैं फाइट आउट कर चुका, मैं आज प्रॉब्लम फ्री हूँ, तो होपफुली आप भी प्रॉब्लम फ्री हो जाए. एंड इन एडिशन टू ऑल दिस स्प्रिंट रनिंग, लाइक फास्ट रनिंग. हाँ, स्प्रिंट फास्ट रनिंग करनी है, क्योंकि साइनसिस सिर्फ देखो सप्लीमेंट खाने से तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, लेकिन साइनसिस के होल्स को भी अपने को बड़ा करने की जरूरत है ना. उसे बड़ा करने का तरीका यही कि आप फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो. अब बैठ करके फास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है, तो जब आप स्प्रिंट रनिंग करते हो तो आप तेज हवा लेते हो नाक से और तेज हवा छोड़ते हो, तो ऑटोमेटिकली जब किसी होल से हवा बार बार तेज अंदर बाहर जाती है तो अपने आप चौड़े होते चले जाते हैं. ठीक है, एंड इट्स नॉट अ वन डे वर्क, मेहनत करनी पड़ेगी, 4 से 6 महीने लगते हैं इन सारे काम में. ठीक है, तो आपको पेशेंस, अगर आपको बॉडी को परफेक्ट बनाना है ना, तो इम्पोर्टेंट चीज यही है, पेशेंस रखना पड़ेगा. मेरे पास जितने मरीज आते हैं वो 1 मिनट में ठीक होना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो शाम को ही ठीक हो जाए, हम तो कल ही ठीक हो जाए, इसलिए फिर उनको दवाई लिखनी पड़ती है और वो जिंदगी भर बीमार ही रहते हैं. तो अगर आपको परफेक्ट होना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा बॉडी को परफेक्ट बनाने के लिए. और आपको सिर्फ बीमारी ठीक करनी है तो ठीक है, उसके लिए बहुत दवाई आती है. एक दिन ठीक रहोगे, अगले दिन फिर बीमार, फिर 15 दिन ठीक रहोगे, फिर बीमार. तो दोनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा. हम डॉक्टर लोग सिम्टम ट्रीट करते हैं, जब हम पर्चा लिखते हैं ना, दवाइयां लिखते हैं पर्चे में, तो हम सिम्टम ट्रीट करते हैं, बीमारी नहीं ट्रीट करते. मैं जो आपसे आज बात कर रहा हूँ वो बीमारी ट्रीट करने के बारे में कर रहा हूँ. हमें उसे ओरिजिन से ही खत्म करना पड़ेगा, जहां से शुरू हुई थी तभी हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे, है ना. तो हमें सिम्टम नहीं ट्रीट करना. आज आपकी जुकाम हो रही है, नाक बह रही है, तो वो सिम्टम है, प्रॉब्लम अंदर से आई है. तो अंदर की प्रॉब्लम ठीक कर देंगे तो बाहर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी. अभी सीधा सा तरीका है कि दुकान से जाके फार्मास्यूटिकल से एंटी एलर्जिक ले लो तो वो नाक तुरंत ड्राई हो जाएगी, लेकिन वो टेम्पररी है, है ना. जिंदगी भर सुकून चाहिए तो अंदर के सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा. Absolutely. Sir, omega ki tablets agar hum pregnant women ko dete hain, is it advisable? 3 soft Advisable, it is wonderful. It is wonderful. Maine aapko bataya na ki ek study aa chuki hai jo ye kehti hai ki jo pregnant females apne puri pregnancy mein omega 3 khati hai, unke bacche 9 guna intelligent paida hote hain. Aur agar wo bhool gayi hai to koi baat nahi, breastfeeding ke time pe wo omega 3 le 3 tablet easily, तो उसका बच्चा 3 गुना इंटेलिजेंट पैदा हो जाएगा. उसके मोटर फंक्शंस इंप्रूव्ड होंगे, उसके सेंसरी फंक्शंस बेटर होंगे, उसका कॉग्निशन पावर बहुत अच्छा होगा. ठीक है ना. तो ओमेगा 3 इज अ वंडर मेडिसिन फॉर फीमेल्स. इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि हर फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल को, अगर वो अपने, देखो उसका तो दिमाग हो गया डेवलप, वो अपनी चिंता नहीं करे, वो हो गई शादी, हो गई कर ली पढ़ाई, कर ली, अब घर में आ रहा है पैसा और सब चल रहा है, तो वो अपना दिमाग डेवलप नहीं करे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर वो बच्चे के लिए सोचती है तो डेफिनेटली उसे ओमेगा 3 लेना चाहिए. और सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, जब तक वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तब तक उसे लेने की जरूरत है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में वो सब जाता है जो मदर खाती है. और प्रेग्नेंट फीमेल के लिए मैं स्पेशली बता दूं कि आप बेसिक सप्लीमेंट्स तो आपको लेने ही है. प्रोटीन आपको अपने लिए, बच्चे के लिए लेना है 1.5 ग्राम पर kg बॉडी वेट. मल्टीविटामिन डेली आपको लेनी है, ओमेगा 3 आपको लेनी है. लेकिन इसके अलावा प्रेगनेंसी में बच्चे की बोन फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, तो उसके लिए मदर को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट आती है, वो आपको लेनी है. मदर अपना ब्लड ट्रांसफर कर रही होती है बच्चे को, तो उसको भी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है. उसके लिए उसका हीमोग्लोबिन मेंटेन करने के लिए उसको आयरन चाहिए होता है. तो कैल्शियम और आयरन बेसिक सप्लीमेंटेशन के अलावा एक प्रेग्नेंट फीमेल को बहुत जरूरी है कि वो एड ऑन करे. कैल्शियम और आयरन को लेकर के बहुत सारी गलत फहमियां हैं फीमेल्स को, जो मैं क्लियर आउट करना चाहूंगा. जब भी कोई प्रेग्नेंट फीमेल कैल्शियम की टैबलेट्स खाती हैं, तो उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि कैल्शियम खाते ही हमें उल्टियां होती है, इसलिए हमने कैल्शियम खानी छोड़ दी. 3 महीने बाद डॉक्टर उनको कैल्शियम लिखता है, वो कहता है 3 महीने तक आपको नहीं खानी है, आपको 3 महीने बाद ही खानी है. इसका, इसकी पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ. शुरू के 3 महीने प्रेग्नेंट फीमेल्स को मॉर्निंग सिकनेस की बहुत प्रॉब्लम रहती है. मॉर्निंग सिकनेस मतलब उल्टियां होना, है ना, उठते ही सुबह बड़ा नौजिया सा फील होना, है ना, उल्टियां महसूस होना, कुछ नहीं खाने का मन करना, जी मचलना, है ना, ये प्रॉब्लम्स फीमेल को शुरू के 3 महीने बहुत ज्यादा रहती है. तो उस समय कैल्शियम इस प्रॉब्लम को बढ़ा देती है, लेकिन वो कौन सी कैल्शियम होती है, वो होती है फार्मास्यूटिकल कैल्शियम. क्योंकि जब आप फार्मास्यूटिकल कैल्शियम खाते हो तो वो CO2 रिलीज करती है, जैसे ही पेट में जाती है वो CO2 रिलीज करती है, आपके पेट में गैस बनती है और आप बड़ा डिसकंफर्टेबल फील करते हो. एक तो पहले ही आपको मॉर्निंग सिकनेस, ऊपर से वो फार्मास्यूटिकल कैल्शियम जो आपको प्रॉब्लम कर रही है. ठीक है, तो जो न्यूट्रलाइट की कैल्शियम है वो किसी तरह के फ्यूम्स जनरेट नहीं करती, वो इजीली डिस्पर्सिबल टैबलेट है और वो आपके पेट में जाके डिसॉल्व नहीं होती है. वो डिसॉल्व होती है आपके सेकंड लेवल ऑफ गट में, डियोडेनम में, और वहीं जाके एब्जॉर्ब होती है जहां एक्चुअली कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करती. तो आप न्यूट्रलाइट की कैल्शियम को खाना स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन से, जब आपको पता लगता है.
इनफैक्ट कोई फीमेल अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो उसे पहले ही कैल्शियम खाना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि उसकी खुद की बोन्स पहले ही स्ट्रांग हो जाए। नहीं तो क्या होगा, प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चा जो होता है, इट्स एन एब्सोल्यूट पैरासाइट, वो मदर से सब खींच लेता है, ठीक है। तो जैसे ही वो खींचना स्टार्ट करेगा, एक प्रेग्नेंट फीमेल को हाथ पैर दुखना, कमर दुखना, हाथ पैरों में दर्द रहना, कुछ काम नहीं करने की इच्छा, कॉमन प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। ये सिम्टम्स होते हैं बेसिकली कैल्शियम डेफिशिएंसी के। उसके बाद जैसे ही बच्चे का कंसेप्शन लगता है, कंसेप्शन के बाद दूसरी प्रॉब्लम जो फीमेल में आती होता है, उसके आयरन ट्रैप जो है ड्रॉप आउट्स होते हैं। यहाँ पे भी प्रॉब्लम यही आती है कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल आयरन की टैबलेट्स आती है वो सिंथेटिक कॉम्पोनेंट से बनी हुई है, जो गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है और आपको उल्टियां होती है उसकी वजह से। न्यूट्रोलाइट की जो आयरन है वो पालक से बनी हुई है, और इसके साथ अच्छी बात क्या है, इसको डाइजेस्टेबल बनाने के लिए इसमें विटामिन सी डाला गया। विटामिन सी आपके पेट के गैस्ट्रिक जूसेस की एसिडिटी को मेंटेन रखता है, जिससे आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। तो ये आपको गैस्ट्राइटिस भी नहीं करती, उल्टी जैसा मन भी नहीं होता, और इसका एब्जॉर्प्शन भी 100% है, जो कि फार्मास्यूटिकल आयरन नहीं कर पाती है। बहुत साइंटिफिकली डिजाइन टैबलेट है ये, मार्केट में कोई टैबलेट इतनी साइंटिफिक डिजाइन नहीं है। इसमें एसरोला चेरी का एक्सट्रैक्ट डाला गया ताकि एनवायरमेंट एसिडिक रहे जहां पे जाके एब्जॉर्ब हो रही है। फिर इसमें जिंक डाला गया है, साथ में इसमें फोलिक एसिड डाला गया है, क्योंकि आयरन और फोलिक एसिड दोनों मिलाकर के आपके आरबीसी को बनाते हैं, रेड ब्लड सेल, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन स्टोर होता है। तो इतनी वंडरफुल साइंटिफिक टैबलेट है, मतलब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ने सोचा नहीं होगा अभी तक। आई एम वेरी सो एडवांस इन रिसर्च आल्सो, लोग उस चीज को, ये सिर्फ सप्लीमेंट नहीं है, इट्स अ साइंस। और हमेशा जब भी वो न्यूट्रलाइट का टैग आता है ना, बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ नेचर तो सबको समझ में आता है, बट व्हाट इज बेस्ट ऑफ साइंस वो किसी को नहीं समझ में आया। तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सेम इज ब्यूटी विद द कैल्शियम। कैल्शियम इज अ कॉम्पोजिशन, एक नहीं, 30 साल पहले न्यूट्रलाइट की कैल्शियम में मैग्नीशियम एड कर दिया गया था, क्योंकि हमारी बोन्स कॉम्बिनेशन है कैल्शियम मैग्नीशियम वाइटामिन D3 का। तो न्यूट्रलाइट वॉज अहेड एडवांस, जब फार्मास्यूटिकल कंपनियां सिर्फ कैल्शियम बना रही थी, न्यूट्रलाइट वॉज मेकिंग अ कॉम्बिनेशन जो आपकी बोन को परफेक्ट बनाता है। इसलिए जब आप न्यूट्रलाइट की कैल्शियम खाते हो तो आपकी बोन डेंसिटी अच्छी रहती है, लेकिन आप फार्मास्यूटिकल कैल्शियम एक साल तक खा लेते हो तब भी आपकी हड्डियां दुखनी बंद नहीं होती, बिकॉज इट्स नॉट अ परफेक्ट कॉम्पोजिशन, क्योंकि बोन सिर्फ एक कैल्शियम से नहीं बनी हुई है, उसके अंदर और भी सारी चीजें हैं। अगर एक भी कॉम्पोनेंट मिसिंग हो गया तो बाइंडिंग मैकेनिज्म सही नहीं होगा, बोन स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। So, Amway was so advanced in research, और उसका नतीजा है कि आज ये टैबलेट्स, और इट कीप्स एडवांसिंग। तो बाकी फार्मा कंपनीज तो उतना सोच भी नहीं सकती, उनका काम तो दवाई बेचने का, बट न्यूट्रलाइट वॉन्ट्स टू गिव यू समथिंग गुड। तो उसे आप समझिए, इट्स नॉट ओनली बेस्ट ऑफ नेचर, इट्स बेस्ट ऑफ साइंस, एंड दैट्स द साइंस, इट्स परफेक्ट सप्लीमेंट, इससे परफेक्ट नहीं हो सकता। कैल्शियम की टैबलेट आपको बहुत मिल सकती है, आयरन आपको बहुत मिल सकती है, मल्टीविटामिन आपको बहुत मिल सकती है, बट परफेक्ट नहीं मिलेगी, इट्स परफेक्ट। अगर मैं डेली की आपसे बात करूं तो डेली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ उतने विटामिन एंड उतने मिनरल जितने आपको चाहिए। उसके बाद उसमें एंटीऑक्सीडेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स एडेड, एंड मैं आपको बता दूं फाइटोन्यूट्रिएंट्स इज पेटेंट ऑफ न्यूट्रलाइट एम्वे, कोई और उसे बना नहीं सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता, इट्स पेटेंटेड, वो कितनी बड़ी बात है। उसके बाद हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं 16 मिनरल, लेकिन हमारी डेली में है 11 मिनरल, 5 मिनरल मिसिंग है। तो न्यूट्रलाइट ने यहां तो गड़बड़ी कर दी, हमें 5 मिनरल क्यों नहीं दिए, और वो मिनरल हमारी बॉडी को चाहिए होते, लेकिन वो मिनरल हमारी डाइट में इतनी क्वांटिटी में है कि उन 5 मिनरल की कमी हमारी बॉडी में कभी नहीं आती, चाहे हम कितना भी गंदा खाना खा रहे। सी द साइंस, दे नो इट, दे नो कि हमारे को 11 ही मिनरल की जरूरत है, 5 मिनरल डालने की जरूरत नहीं है। अगर वो 5 मिनरल वो फालतू में डाल देते तो डेली की कॉस्ट बढ़ जाती, तो उन्होंने वो फालतू कचरा उसमें नहीं डाला, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनियां डालती है और आपको नहीं पता, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि हमें कौन से 11 मिनरल ज्यादा जरूरी हैं जो न्यूट्रलाइट डेली में डाले गए, कौन से वो विटामिन हैं जो डाले गए। तो एक बार उसको पलटिए, जब आप पैक को पलटेंगे ना, यू विल सी के हर सप्लीमेंटेशन जो भी उसमें डाला गया, B1, B2, B3, इट इज 100% ऑफ RDA ऑलमोस्ट, और वो उसी रेशियो में डाला गया है जितना बॉडी एब्जॉर्ब करती। कई लोग मेरे से कहते हैं कि न्यूट्रलाइट की जो कैल्शियम है वो 200 मिलीग्राम की आती है, और फार्मास्यूटिकल कैल्शियम तो 500 मिलीग्राम की भी आती है, 1000 की भी आती है, हम पैसा भी देते हैं और पूरा भी नहीं आता, ये 200 मिलीग्राम की कैल्शियम क्या करेगी। डॉक्टर भी यही बोलते हैं, ये 200 मिलीग्राम कैल्शियम क्या करेगी यार किसी पेशेंट में, कम से कम 1000 मिलीग्राम चाहिए होती है एक बीमार आदमी को। बट स्टडी WHO says, ये आपके पेपर दे से
कि एक बार में बॉडी 200 मिलीग्राम कैल्शियम से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। आप बनाइए टैबलेट 1000 की, 800 मिलीग्राम आपका निकल जाएगा सुगर, 200 मिलीग्राम ये एब्जॉर्ब करेगी, एंड दैट हैज टू बी नेचुरल। अभी आज की डेट में आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग विटामिन सी खा रहे होंगे, उसके ऊपर आप पेपर आपको मिल जाए तो आप ढूंढ लीजिएगा, मेरे पास बहुत सारे पेपर हैं, क्योंकि मैं बिना रिसर्च के, बिना पब्लिकेशंस पढ़े, बिना लिटरेचर पढ़े और बुक पढ़े बिना कोई बात नहीं करता। मैंने जो आपसे कहा है इट इज ऑल बीन रिसर्च एंड इट्स फ्रॉम बुक्स। मैं आपको बता दूं, मैं हवा में बात नहीं करता। विटामिन सी के ऊपर ऑलरेडी देयर इज अ रिसर्च। इफ यू टेक अ सिंथेटिक विटामिन सी विच इज एस्कॉर्बिक एसिड, एल एस्कॉर्बिक एसिड, जो आपको मार्केट में बहुत मिल जाती है, डेढ़ डेढ़ दो दो रुपए में, चूसली ब्रूसली एक्स वाई जेड बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, जूसी चूसी बहुत सारे नाम है, आप में से बहुत सारे लोग खा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि न्यूट्रलाइट की नेचुरल सी तो 9 से 10 रुपए की पड़ती है, मार्केट में 1.5-2 रुपए की आ रही है, तो अपन वही खाएं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कितनी महंगी जूसी चूसी खा रहे हैं। जब आप 500 मिलीग्राम सिंथेटिक एल एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे वो विटामिन सी कहते हैं और जो नहीं है, वो जब आप खाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 25 मिलीग्राम का ही होता है। मतलब जब आपने 500 मिलीग्राम खाई तो आपकी बॉडी सिर्फ 25 मिलीग्राम एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। तो अब आपकी बॉडी में अगर आपको 100 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए तो आपको 4 गोली खानी पड़ेगी, तो आप एड ऑन कर लीजिए इनटू 4 जो भी आप गोली खा रहे हैं। इसके बाद जो सिंथेटिक विटामिन सी है, जब वो आपके सेल में जाता है, आपके सेल में एक ऑक्सीजन का स्टोर होता है जो ग्लूकोज को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, उसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। वो विटामिन सी वहां जाके ऑक्सीजन के स्टोर्स को, रिजर्व्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जब वो एल एस्कॉर्बिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया पे जाता है तो शुरू के 15 से 20 दिन तो वो आपके ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ाता है, और 20 दिन के बाद उस माइटोकॉन्ड्रिया को बॉम्ब की तरह ब्लास्ट कर देता है। तो अगर आपने 20 दिन सिंथेटिक विटामिन सी खाई तो आपकी इम्यूनिटी निमट जाएगी, लेकिन अगर आप नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन सी खा रहे हो, जो कि नेचुरल सी है, जिसके अंदर एक टाइम के 40 मिलीग्राम ऐड किया गया है और आप उतना ही एब्जॉर्ब कर पाते हो एक टाइम पे, तो आप 2-2 घंटे गैप में लीजिए, 40 मिलीग्राम आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है। लेकिन क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म है तो आप उसे जिंदगी भर खाइए, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीजन रिजर्व को बढ़ाएगा और आपके इम्यून सिस्टम को बेटर रखने में हेल्प करेगा, वो आपके सेल को इम्प्रूव करेगा। तो अभी लोगों ने क्या गलती करी, जब ये कोविड वाला टाइम आया लोगों ने विटामिन सी खानी स्टार्ट कर दी, और वो कौन सी खा रहे थे, एल एस्कॉर्बिक एसिड। तो क्या हुआ, जब कोविड हुआ तब तक माइटोकॉन्ड्रिया निमट गए और इम्यूनिटी डाउन आ गई। खा किस ले रहे थे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब ये रिसर्च कौन लेके जाएगा उनसे, उनके पास, कि विटामिन सी खाने से इम्यूनिटी गिरती, ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा, आपका शरीर है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये अननेसेसरी की चीजें खा खा के, मार्केट की सिंथेटिक चीजें खा के निमट गए, उन्होंने बॉडी के सेल्स को इंप्रूव करने की जगह डाउनग्रेड कर दिया और निपटा लिया अपने आप। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते और पैसा ही आपका इशू है शरीर से ज्यादा, तो प्लीज वो भी मत खाइए, कम से कम आपकी शरीर नुकसान में तो नहीं जाएगा। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपने शरीर को बेटर रखना चाहते हैं, तो यही लीजिए। देखो मैं कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करता हूँ, मेरी कार का मैं इंश्योरेंस कराता हूँ, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं और उनका इंश्योरेंस मिला करके 50,000 रुपए सालाना सिर्फ इंश्योरेंस में चले जाते हैं। अभी एक ऐसा कॉम्पोनेंट मेरे घर का, जो मेरी गाड़ियां हैं जिनका कोई सिर्फ चलाना है मुझे, वो जिंदा भी नहीं है और कुछ भी नहीं लेना देना उनका, उनका मैं 50,000 रुपए सालाना फोकट ही देता हूं, लेकिन मेरे शरीर के लिए मुझे 50,000 रुपए इंश्योरेंस के फॉर्म में, जिनको मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स मानता हूं, वो देने में बड़ी परेशानी पैदा होती है। जबकि मुझे पता है कि अगर मेरा शरीर परफेक्ट चला तो मैं 2 क्या मैं 10 गाड़ियां खरीद लूं और 5 लाख रुपए भी इंश्योरेंस में दे दूं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे अपना शरीर सही चलाना पड़ेगा। अभी लोग गाड़ी का इंश्योरेंस देने में तो नहीं हिचकिचाते, लेकिन शरीर का इंश्योरेंस करने में पता नहीं क्यों हिचकिचाते। मैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं उस इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं जहां आप बॉडी को हेल्दी रख के अपनी लाइफ को हेल्दी रख सकते हो। आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, 90,000 रुपए मोस्ट ऑफ द लोगों की ईएमआई में जाते हैं, ये आज की डेट में सिनेरियो है सबका। लेकिन वो जो 10,000 रुपए है ना, उसे आप अपने शरीर पे लगाइए, नहीं तो वो 90,000 की ईएमआई नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है। तो वो 10% पैसा जो आपकी इनकम का है, उसे आप अपने शरीर पे रखिए। उस ईएमआई को अगर आप टाइमली पे करते रहेंगे तो आप दुनिया की सारी ईएमआई पे करते रहेंगे, और हमारे लिए सबसे नेग्लेक्टेड ईएमआई हमारे शरीर की है। तो ये सप्लीमेंट्स महंगे नहीं है, ये बहुत सस्ते हैं। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम हो गई तो महीने की 3,000 रुपए की दवाइयां खानी पड़ती है आपको, और सप्लीमेंट इससे बहुत सस्ते पड़ते हैं, और आप हेल्दी भी रहते हो, मजबूरी भी हो जाती है,
डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा, मेरे पास बहुत पेशेंट आया था। अगर आप किसी कोई रहता हो कोटा सिटी में, कोई आसपास रहता हो तो आके मेरे ओपीडी के बाहर बैठ जाओ, उन मरीजों के दुखड़े सुन सुन के या आईसीयू के मरीजों को देख करके ना खुद को यही लगेगा यार शरीर ठीक रहे जो ही ज्यादा बढ़िया। लेकिन क्या होता है जब तक आदमी आईसीयू में नहीं पहुंचता उसे सुध भी नहीं आती, वो वहां प्रॉब्लम में पहुंच के ही सोचता है कि मैं आपसे सब ठीक करूंगा। तो वो टाइम मत आने दीजिए, आपकी बॉडी बहुत प्रेशियस है, आप अपने इनकम का कुछ पार्ट अपनी बॉडी के लिए रखिए ताकि आप बाकी इनकम को जिंदगी भर जनरेट कर सके, है ना। क्योंकि 25 साल तक तो पढ़ाई में ही निकाल दी अपन ने, फिर जाके पैसा कमाना स्टार्ट किया। बॉडी परफेक्ट नहीं रखोगे तो आगे आप कमा भी नहीं पाओगे, है ना। तो कुछ शेयर रखिए इनके लिए, खाने पे खर्चा कर रहे हो अच्छी बात है, अच्छा खा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आप अपने हिसाब से अच्छा खा रहे हो, मेरे हिसाब से नहीं खा रहे, ठीक है, WHO के हिसाब से भी नहीं खा रहे, तो उसे करेक्ट कीजिए, कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करिए, गैप को ब्रिज कीजिए, तो हम लोग चीजें परफेक्ट कर पाएंगे। राइट सर, एक क्वेश्चन और, जैसे कि अभी आपने बोला कि 90,000 तो हम EMI में देते हैं, तो बहुत स्ट्रेस एंजाइटी और बहुत लोगों को डिप्रेशन होता है अपना मतलब वर्कलोड से और इन सब चीजों से, क्या इसमें सर कहीं ना कहीं सप्लीमेंटेशन हमें हेल्प कर सकता है? तो एंजाइटी या स्ट्रेस के लिए हम क्या ले सकते हैं सर? एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस जो है वो बेसिकली इनडायरेक्ट मार्कर्स हैं आपके बॉडी के लो स्टेमिना या लो पोटेंशियल का, ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट मार्कर है। तो किसी को भी अगर एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन आता है, बॉडी डाउन लगती है, शाम को काम करने की इच्छा नहीं करती है, तो मैं उसे यही सजेस्ट करूंगा कि जो सप्लीमेंट मैंने बॉडी को मेंटेन करने के लिए बताए आप उन्हीं को लीजिए, तो बॉडी आपकी नॉर्मल स्टेमिना पे काम करेगी। इसके अलावा मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो लोग ब्रेन फंक्शन बहुत यूज करते हैं वो लोग ब्रह्मी एड ऑन करें। ब्रह्मी आपके सिनेप्टिक फॉर्मेशन को अच्छा करती है, जिससे ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन और कंसेंट्रेशन पावर बहुत बढ़ती है। मैं अपने बच्चों को भी खिलाता हूँ और मैं भी खाता हूँ, सिर्फ रीजन यही है कि मेरे ब्रेन का कंसेंट्रेशन पावर बढ़ा रहा है, क्योंकि जब हमारी फोकसिंग और कंसेंट्रेशन डाउन होती है तभी हम इरिटेबल होते हैं, क्योंकि हमें काम तो करना होता है बट हम फोकस नहीं कर पा रहे होते, तो वो इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसके लिए ब्रह्मी हमारे पास बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो आपके कॉग्निटिव फंक्शन और फोकसिंग को इम्प्रूव करेगी। इसके अलावा ब्रह्मी और अश्वगंधा आपके बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करती है, एंग्जाइटी को भी कम करती है, आपके स्लीप पैटर्न को भी इम्प्रूव करती है। ये दोनों चीजें आप ऐड कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। परफेक्ट डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अभी डॉक्टर बिल्कुल क्वेश्चंस का तांता लगा हुआ है, बट आई थिंक अभी हमें क्लोज करना पड़ेगा, अगर मैं और एक घंटा भी बैठी रहूं तो भी क्वेश्चंस खत्म नहीं होने वाले। सिद्धार्थ, the situation in your chat box, my chat box is still flooded with 20 to 25 questions right now. The problem is कि मैं इसमें host हूँ, right? और सबसे easy होता है host को WhatsApp पे message डालना। तो डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि this is the first time in digital history of Ambik India and in the North marketing that we hit 10,000 views in just 1 hour, right? So this is the biggest number. This is the biggest number in the history of Amway. Tremendous, Dr. Saab, tremendous. Thank you. It's all because of team Amway and you all ke itne log ek platform pe. And also, Aur sir, itni zyada tareefon ke statements beh rahe hain, overload ho rahe hain ki logo ne itna connect kiya hai is information ko, sabne itna bhari fayda uthaya hai isse aur jis tarike ke question के इलैबोरेट आंसर आपने दिए हैं, मतलब सर हमारी तालियों से शायद आज मतलब कम पड़ जाएंगी आपके लिए तालियां, इतनी हम तालियां बजा सकते हैं। यस, एंड शिवानी, मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आज आपको बहुत सारे लोगों ने अपना मेंटर ऑलरेडी मान लिया है, बिकॉज जिस तरीके से उनकी बहुत सारी अनआंसर्ड क्वेरीज रहती थी उनके थॉट में कि किस प्रकार से, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जब हम टच बेस करते हैं तो कई ऐसे सवाल जो आज आपने हमें डिस्कस किए, इनफैक्ट मैं भी यदि अपनी बताऊं बात तो मैं अपने एंड से, फ्रॉम अ मार्केटिंग टीम के एंड से, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो आज का लिंक है ये अगले एक दिन के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन है, राइट? आपके जो टीम मेंबर्स अभी यहाँ पर नहीं प्रेजेंट थे, प्लीज आप उन्हें ये जो लिंक आपके पास आया है व्हाट्सएप पे मेरे नंबर के थ्रू, आप उन्हें ये शेयर कीजिए, राइट? और उनको कहिए कि ये नॉलेज को ले, बिकॉज दिस नॉलेज इज कंप्लीटली अमेजिंग, राइट? और ये नॉलेज के माध्यम से आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों को टच बेस करके बहुत सारे लोगों की लाइफ को बेटर कर सकते हैं, बिकॉज लोगों को चाहिए ये सॉल्यूशन। एंड
Yes, from Amway team, that we are always there. And Siddharth, one more thing. I think with the, you know, my humble request to Doctor, and I think ये सभी जरूर चाहेंगे कि आप एक बार फिर से हमारे साथ आइए. हम जल्दी आपको दोबारा लाना चाहेंगे. You know, for all this wonderful information. So not मतलब आपके schedule के हिसाब से we'll see in the month of December. जरूर आपके साथ फिर से एक शो करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जहां पे हम सारे अपने एडीएस को और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाए. एंड डेफिनेटली मैडम श्योरली विल ट्राई कि आगे सेशन हो और कोऑर्डिनेट करके. मेरे को आज बड़ा सेशन स्टार्ट करते टाइम मैंने सिद्धार्थ से भी बात करी थी. मैं यही कह रहा था, द थिंग वॉज कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पिछले सेशन में काफी कुछ मैंने बता दिया. सो आई वॉज वरीड कि मैं आज लोगों को कुछ नया दे पाऊंगा कि नहीं, या मे बी they'll find it useful or not. मुझे doubt था. So I hopefully think के लोगों के लिए session beneficial रहा हो. They would have taken something new. कुछ चीजें उनको जानने को मिली. Absolutely sir, absolutely. आप please अपना chat box खोल करके देखे. I think he is also a co-host. So किस तरीके से बारिश हो रही है आपके लिए comments की, you can have a look yourself. कि रुक नहीं रहे हैं. वंडरफुल सेशन, अनदर सेशन इज अ मस्ट. थैंक्स टू डॉक्टर प्रमोद एंड टीम एम्वे, एक्सीलेंट सेशन. थैंक यू, वंडरफुल सर, ऑसम. सो यू नो इट्स नॉन स्टॉप सर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे सर. सिद्धार्थ, एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू और एनी लास्ट क्वेश्चन दैट यू वॉन्ट टू कीप इन फ्रंट ऑफ सर, या फिर हम अभी के लिए पॉज दे सकते हैं और ये लिंक जैसा कि आपने बताया नेक्स्ट 24 आवर्स तक खुद and people can come on right to on. that link and access it. दोबारा से जो है एक बारी पूरी information आराम से सुन सकते हैं, notes बना सकते हैं. Yes ma'am, thank you so much. Yes ma'am, मैं यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच. एंड नेक्स्ट इंटरवेंशन में डेफिनेटली हम मैम को आपके साथ इस फ्रेम में देखना चाहेंगे, बिकॉज शी इज ऑल्सो ग्रेट एक्सपर्ट इन हिज ओन ट्रेड. और वो फिटनेस के बारे में जब उन्होंने पॉइंट्स अपने शेयर किए थे वन ऑफ आवर इंटरवेंशन में, तो दैट रियली लाइक बाय सो मेनी पीपल. बट डॉक्टर साहब अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, बहुत बहुत धन्यवाद कंप्लीट मार्केटिंग टीम ऑफ एम्वे इंडिया की तरफ से. एंड सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं आप सभी से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 आप अपने आसपास के लोगों को इन इंफॉर्मेशन के साथ जरूर अवगत करवाएं, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बता सकता हूँ पर्सनली. आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये चीज कहना चाहता हूँ कि ये इंफॉर्मेशन आपके आपके फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. और साथ ही साथ यदि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है तो ठीक है, इंश्योरेंस भी जाएगी, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला था 5 लाख की इंश्योरेंस भी जाएगी. बट जरूरी है पहले सेहत की इंश्योरेंस करें. एंड फॉर गुड हेल्थ डेफिनेटली न्यूट्रलाइट इज ऑलवेज विद यू एंड विद दिस, बिकॉज इट्स गेटिंग टू मच लेट. और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा डॉक्टर साहब का एंड आप सभी का भी, बिकॉज सबका टाइम बहुत कीमती है और ये डिनर का टाइम हो चुका है. तो जरूर अपने डिनर टेबल पे आज के इंटरवेंशन के जितने पॉइंट्स हैं जिन्होंने नहीं सुने उनको जरूर डिस्कस कीजिए, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है होते हैं आप सभी के उसमें इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए. लिंक आप सभी के पास ऑलरेडी है थ्रू द मैसेज, और आप इन सभी लिंक को अपने मैसेज शेयर करें. कल तक ये एक सेशन लाइव रहेगा यूट्यूब पे, बट आफ्टर टुमारो वी नीड टू ड्रॉप इट बिकॉज ऑफ द लीगैलिटी थिंग्स. एंड ऑल्सो एक और पॉइंट बोलूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि ये जो यूट्यूब पे वीडियो आप देख रहे हैं इसे आप डाउनलोड करने की कोशिश ना करें, बिकॉज ये एक कंप्लीटली एमवे ऑथराइज्ड वीडियो रहती है, ऑथराइज सेशन रहता है. ये किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मत डालिए, बिकॉज ऐसे डालने पर बहुत सारे लीगैलिटी इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको फेस करना पड़ सकता है. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम योर पार्टनर सिद्धार्थ चौधरी. एंड डेफिनेटली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर सच अ ग्रेट ऑडियंस एंड फॉर प्रमोटिंग इट दिस बिग. थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम. थैंक यू सिद्धार्थ. थैंक यू मैम. थैंक यू. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर द वंडरफुल कमेंट्स. कमेंट्स करते रहिए, अगले एक मिनट तक हम आपके कमेंट्स को नोट कर रहे हैं यहाँ पे. बट कल हम फिर से आपके साथ मिलने वाले हैं एक नए इंटरवेंशन के साथ. व्हाट्सएप पर मैसेजेस देखते रहिएगा जरूर, बिकॉज अक्सर होता क्या है ना, अनरीड मैसेजेस बहुत ज्यादा बच जाते हैं, राइट. तो
please read the messages and get in touch with us. Thank you so much and have a great night. Thank you so but much. But Siddharth, it would be wonderful if you can please just kal hum kis topic pe event karne wale hain. Again, a very sensational topic and a very relevant topic agar hum aaj ki baat karte hain, which is the pollution, which is the health of the family. और जब हम बात करते हैं खुल के सांस लेने की, खुल के हवा में सांस लेने की, एटमोसफेयर मिनी पे हमारा कल एक बहुत ही जबरदस्त सेशन दोबारा से आने वाला है. प्लीज यू नो कीप चेकिंग एज सिद्धार्थ मेंशन, अपने व्हाट्सएप को चेक करते रहिए सो दैट यू नो यू डोंट मिस द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. हम जल्द ही फायर और पूरे मैसेज के साथ आपको अपडेट करेंगे. कल एक बार फिर से शाम को जुड़िएगा हमारे साथ. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक्स अ लॉट. एंड दोज हु आर आस्किंग फॉर माय नंबर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, मैंने आपका चैट बॉक्स में मेंशन कर दिया है. प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते समय अपना नाम जरूर लिखिए, बिकॉज आपके यूजर नेम से मुझे सेव करना पड़ता है. दैट इज अ बिग चैलेंज, बट यस प्लीज WhatsApp me with your name and your ID number. And with this, thank you so much. And definitely, हम फिर से लेकर आएंगे. ये मेरा promise आप सभी को, डॉक्टर साहब को लेकर आएंगे फिर से इस platform पे और फिर से हम ऐसा एक intervention को जरूर सुनेंगे. With this, thank you so much and have a great night. Thank you.